टू इन्फॉर्म पैथोलॉजीज और सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। ये पूरी जो है टेबल शो कर रही थी कौन कौन सी शोल्डर सॉरी एल्बो की पैथोलॉजीज होती है और सर्जिकल प्रोसेस कौन कौन से कॉमन है, ठीक है। नंबर वन आर्थराइटिस, एल्बो की आर्थराइटिस वो आपकी आरए भी हो सकती है, टमेटिक आर्थराइटिस, ओए मतलब कोई भी किस्म की आर्थराइटिस वो बहुत कॉमन है पैथोलॉजी। पोस्ट इमोबिलाइजेशन आर्थराइटिस कॉमन है, ठीक है, जिसको स्टिफ ज्वाइंट भी कहते हैं। ज्वाइंट इनस्टेबिलिटी, सबलेक्सेशन हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए, दैट इज कॉमन। ओवर यूज सिंड्रोम, ठीक है, जिसको लेटरल एपिकोंड्रोलेजिया या वीडियल एपिकोंड्रोलेजिया, मतलब कि आप टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो जिसको कहते हो, तो ओवर यूज सिंड्रोम बहुत कॉमन है। मायोसिस ऑसिफिकेंस, जिसको हेटरोट्रॉपिक बोन फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये सारी पैथोलॉजीज कॉमन है। उसके अलावा आर्थराइटिस, पुश्ड डिस्क की रेडियल के डिस्टल हेड की जो है वो सबलक्सेशन हो जाती है, रेडियल की जो है वो डिस्टल साइड सबलक्सेशन हो जाती है की। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कॉमन है, नॉन डिस्प्लेस डिस्टल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल रेडियल या प्रॉक्सिमल अल्ना फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए जो सर्जरी करवाई जाती है क्लोज रिडक्शन सर्जरी करवाई जाती है, ठीक है। अब सर्जरी शुरू हो रही है यहाँ तक पैथोलॉजीज की, एल्बो में कौन कौन सी पैथोलॉजीज होती है, अब यहाँ से जो है वो सर्जरी शुरू हो रही के कौन कौन सी सर्जरीज कॉमन है। क्लोज रिडक्शन हो सकती है जो मतलब कॉमन है सर्जरीज में, टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है, लिंक एंड अनलिंक, टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी के टाइप्स है लिंक अनलिंक, जैसे शोल्डर में या फिर नी में जो है हम वर्ड यूज कर रहे थे कंस्ट्रेंट अनकंस्ट्रेंट, तो ये उस नी का मतलब एल्बो में जो है वो लिंक अनलिंक जो है वो वर्ड यूज किया जाता है, बाकी ओवरऑल मतलब कहानी होगी, ठीक है। एक्सीजन ऑफ द रेडियल हेड विद प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, ठीक है, ब्लड सर्जरी करके रेडियल हेड को निकाल देना, उसकी जगह प्रोस्थेटिक इम्प्लांट लगाया जाए, ठीक है, या कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उस जगह कुछ भी नहीं लगाया जाए। इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, जिसको ऑरिफिस के नाम से आप लोग जानते हो, सिंपल बुक फ्रैक्चर्स के डिस्ट्रक्टिव। डिसेक्शन ऑफ द रेडियल हेड विदाउट इम्प्लांट, वही जो मैंने बात की के इम्प्लांट के बगैर भी जो है वो रेडियल हेड को रिसेक्ट करके उसके जगह पे कोई और इम्प्लांट नहीं लगाया जाता, तो इससे भी सिनोवियेक्टमी, सिनोवियल जो है वो मेम्ब्रेन उसको कट कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, सिनोवियेक्टमी करवाई जा सकती है। लिगामेंट रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिगामेंट्स अगर वीक हैं टियर हो गए तो उनकी रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन जो है वो सर्जरी की जाती है। कैप्सुलॉटमी, आर्थ्रोडेसिस या फिर मीडियन अल्नर रेडियल नर्व इंटरप्शन या इंजरी हो एल्बो या फोरआर्म रीजन में, उसकी भी जो है वो सर्जरीज या प्रॉब्लम या सर्जरी की जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स और सर्जरीज जो है वो कॉमन है एल्बो जॉइंट के, उनका आपको पता होना चाहिए डिटेल, तो कभी आपको मैनेजमेंट समझ आएगी कि इन सब की क्या मैनेजमेंट करी जाती है, ठीक है। ये साइड में जो टेबल में है, ये जो जो आपको पैथोलॉजीज बताई गई हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है, पोस्ट मोबिलाइजेशन है, जॉइंट इनस्टेबिलिटी, ओवर यूज सिंड्रोम, मायोसिस ऑसिफिकेंस, इनके नतीजे में जो है वो इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे लिखे गए हैं कि इम्पेयर्ड जॉइंट मोबिलिटी, मोटर फंक्शन, मसल परफॉर्मेंस एंड रेंज ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिसफंक्शन, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होंगी अगर ये पैथोलॉजीज होती हैं। अगर एक्यूट आर्थराइटिस और पुल्ड एल्बो है तो आपको जो है ये सारे इम्पेयरमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो एक साइड जो है वो पैथोलॉजीज और सर्जरीज दिखाई गई है और दूसरी साइड टेबल के जो है वो दिखाया गया है कि इन पैथोलॉजीज या सर्जरीज के नतीजे में क्या इम्पेयरमेंट जो है वो आपको मिलेंगे पीछे। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी पे, इसके मैनेजमेंट पे बात करेंगे। जॉइंट हाइपोमोबिलिटी का आपको पता है कि जॉइंट हाइपोमोबिलिटी क्यों होती है, जैसे कि शोल्डर में भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जॉइंट हाइपोमोबिलिटी मोस्टली जो है वो कोई भी आर्थराइटिस हो, ठीक है,
पेशेंट को ज्यादा टाइम के लिए इमोबिलाइज करके रखा गया हो, मतलब फ्रैक्चर है या किसी और वजह से उसको इमोबिलाइज करके रखा गया ज्वाइंट को, उसके नतीजे में हाइपोमोबिलिटी हो सकती है. मतलब बहुत सारे रीजन से आ रहे हैं, ओए या फिर लॉन्ग टाइम जो है इमोबिलाइजेशन में काफी सारे रीजन से हाइपोमोबिलिटी. अगर ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी हो जाती है पेशेंट को या हाइपोमोबिलिटी के साथ आपके पास आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, हमारा क्या रोल है वहाँ पे? सबसे पहले ये बता रहे हैं कि कॉमन एक्टिविटीज लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन या फंक्शनल लिमिटेशंस आपको क्या मिलेंगे अगर ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा है. तो ही और शी में हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स: डिफिकल्टी टर्निंग अ डोर नोब और द की इन द इग्निशन, difficulty or the pain with the pushing and the pulling activities such as opening and closing door, restricted hand to mouth activities for the eating and the drinking, and hand to head activities for the personal grooming and using a telephone, difficulty or pain when pushing up from the chair, inability to carry the objects with a straight arm and limited reach. ठीक है, तो ये सारे कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आपके साथ आ सकता है या उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, कि वो डोर नॉब में की जो है वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा, उसको घुमा नहीं सकेगा. ठीक है, मतलब प्रोनेशन सुपिनेशन मोमेंट आ जाते हैं ना उसमें, तो ये एल्बो जॉइंट तो उसमें इसको प्रॉब्लम हो सकती है. पुशिंग पुलिंग एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें एल्बो के फ्लेक्चर्स एक्सटेंसिस में दो रहे. ठीक है, तो हाइपोमोबिलिटी है तो ये सारी चीजें पेशेंट को प्रॉब्लम करवा. अगर इस वो बोलेगा कि स्ट्रेट आर्म के साथ जब कोई भी जो है वो वेट उठाता हूँ तो नहीं उठा पाता. ठीक है, स्ट्रेट आर्म के साथ जब वो वेट उठाएगा तो उसका जाहिर सी बात है वेट पड़ता है एल्बो जॉइंट पे, तो उसमें उसको इशू हो सकता है. ठीक है, अच्छा, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अगर पेशेंट इस कंडीशन के या हाइपोमोबिलिटी के साथ आपके पास आए तो आप नॉन ऑपरेटिव या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उसकी किस तरह से कर सकते हैं. फेज वन इज द प्रोटेक्शन फेज. ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे. ठीक है, उसको जो है आप पेशेंट को गाइड करोगे कि उसकी क्या कंडीशन है, उसको क्या सिम्टम्स होंगे, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसको कितने टाइम बाद रिलीफ मिलेगा, कितना अर्सा उसके ट्रीटमेंट में लगेगा. ठीक है, या उसको घर पे क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी गाइडेंस आपको दी. सबसे पहले है पेशेंट एजुकेशन. ठीक है, सेकंड, रिड्यूस द फैक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन और साइनोवियल फ्यूजन एंड प्रोटेक्ट द एरिया. ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करने के बाद हमारा सेकंड गोल यही होता है कि हमें जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है. अगर साइनोवियल फ्यूजन या एडिमा वगैरह प्रेजेंट है वहां पे तो उसको जो है वो कम करना है. ठीक है, इसके लिए हम स्लिंग यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्लिंग यूज कर सकते हो उसके लिए. और जो है वो जेंटल ग्रेड वन या टू में डिस्ट्रक्शन या ऑसिलेशन टेक्निक दे सकते हो पेशेंट को. ठीक है, रेस्टिंग पोजिशन में. रेस्टिंग पोजिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि आप मतलब पेशेंट को बिल्कुल आर्म बाय साइड या एल्बो मतलब न्यूट्रल पोजिशन पे होगी, उसमें उस जगह पे आप उसको डिस्ट्रक्शन या ऑसिलेशन दोगे. इससे मतलब मोबिलाइजेशन जो टेक्निक आप कर रहे हो उससे क्या होता है कि ज्वाइंट को न्यूट्रिशंस मिलते हैं जिससे आपका फिर पेन कम हो सकता है. ठीक है, सेकंड, थर्ड हमारा गोल होगा टू मेंटेन द सॉफ्ट टिश्यू इन ज्वाइंट मोबिलिटी. ठीक है, पेशेंट जो हमारे पास आया है उसकी जितनी रेंज अवेलेबल है, जितनी मोबिलिटी अवेलेबल है, उसको हमें एटलीस्ट मेंटेन करके रखना है, स्कोर खराब नहीं होने देना है. उसके लिए आप क्या करवाओगे, पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करवाओगे विद इन द पेन लिमिट. ठीक है, उसमें फ्लेक्शन एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, प्रोनेक्शन सुपिनेशन सब आ जाएगा. ठीक है, पैसिव और एक्टिव असिस्टेड करवाओगे फेज वन में, एक्टिव मूवमेंट नहीं करवाओगे. फेज वन में फिलहाल जो है आप पैसिव और एक्टिव असिस्टेड ही करवाते हो एल्बो जॉइंट की, वो भी पेन फ्री रेंज में. नेक्स्ट जो हमारा गोल होता है मेंटेन जो लैटर गैंगलियर बाय जॉइंट्स है उनकी फंक्शन को मेंटेन रखना है, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है. मतलब जो है आपका शोल्डर हो गया, स्केपुलर मसल्स हो गया, रिस्ट हो गया, तो उनकी मोबिलिटी को मेंटेन रखना है, तो उन सारे जॉइंट्स की आप एक्टिव मूवमेंट्स करवाओ. सेकंड फेज जिसको कंट्रोल्ड मोशन फेज भी कहते हैं, कंट्रोल्ड मोशन फेज जिसको कहते हैं, उसमें हमारा पहला जो मकसद होता है या पहला गोल होता है कि हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं. ठीक है,
जो मसल टाइट हो गए उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, ठीक है, ताकि वहां पे कॉन्ट्रैक्चर्स ना ले लगे, क्योंकि हमने कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट में भी स्लिंग में रखा हुआ है, इतनी मूवमेंट वहां पे नहीं करवा, तो हमारा ये मकसद होता है कि वहां फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। लेकिन जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं वो बहुत ही केयरफुली स्टार्ट करते हैं, कंटीन्यूअस स्ट्रेचिंग नहीं करवाते, ठीक है। विग्रेस स्ट्रेचिंग जो है वो थर्ड फेज में एक क्रोनिक जो है स्टेज में जाके करवा सकते हो। इनिशियली जो अक्यूट या सब एक्यूट फेज में आप जो है उसको स्ट्रेचिंग हाई इंटेंस स्ट्रेचिंग नहीं करवाते, बहुत लाइट स्ट्रेच एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर जस्ट करते रहते हैं। हाई इंटेंस, अच्छा ये पॉइंट गौर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। High intensity stretching of the elbow flexors is contraindicated following the trauma because of the potential of development of the heterotopic bone formation. अगर कोई patient आपके पास मतलब trauma की history के साथ आया और उसको brachialis muscle injury हुआ, जो आपके elbow के flexors muscle थे वो उसकी injury हुई, तो अगर आप उसकी high intensity stretching करवाते हो ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि बोन में जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे हेटरोट्रॉपिक बोन फॉर्मेशन हो जाती है जिसको मायोसिस्टोसिस कहते हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आया है, वो भी आपके फ्लेक्सर मसल की, तो उसमें जो है इनिशियली आप बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं करवा इंडिकेटेड होती है। अगर आप उसमें स्ट्रेचिंग करवा देते हो इस मसल की जिसमें जो है ब्रैकियल मसल के ट्रॉमा हुआ हुआ है, अगर उसकी हाई इंटेंस एक्सरसाइज करवाते हो तो आप वहाँ पे मायोसिस्टोसिस पेशेंट को करवा दोगे, ठीक है, उससे काम और भी खराब हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो हमारा गोल होता है दैट इज द पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक, ठीक है, वही है कि ग्रेड फेज वन में हम ग्रेड वन एंड टू में जॉइंट मोबिलाइजेशन करवा रहे थे, यहाँ पे आप ग्रेड थ्री और फोर में जा सकते हो, ठीक है। अगर सस्टेन मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो ग्रेड थ्री में रहोगे, अगर ऑसिलेटिव कर रहे हो तो ग्रेड फोर तक जा सकते हो। अच्छा, और अगर पेशेंट जो है वो पुश्ड एल्बो की कंप्लेन के साथ आया हुआ है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए मैनिपुलेशन भी करवा सकते हो। पुश्ड एल्बो क्या है कंडीशन, बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, इज द प्रॉक्सिमल सबलक्सेशन ऑफ द रेडियस में रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग on the outstretched hand, the radial head is pushed proximally in the annular ligament in impinge against the capitulum. ठीक है, अगर patient जो है वो अगर गिर जाता है outstretched hand के साथ, तो उसका जो radial head है वो वहां से subluxate करके proximally मतलब ऊपर humerus की तरफ जो है वो push हो जाता है, मतलब उस तरफ move कर जाता है, और वो ऊपर जाके proximally जाके एन्युलर लिगामेंट पे जो है वो मतलब हिट करते हुए इम्पिंज कर रहा होता है अगेंस्ट द कैपिटुलम, ठीक है। तो उसके लिए आप मैनेजमेंट किस तरह से करवा सकते हो, फॉर एन एक्यूट पुश्ड एल्बो विच नो फ्रैक्चर अप्लाई अ डिस्टल ट्रैक्शन टू द रेडियस टू रिपोजिशन द रेडियल हेड। इफ क्रोनिक रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग विद द सस्टेन ग्रेड थ्री डिस्टल traction to the radius is necessary and the strengthening technique needed for increasing the motion. ठीक है, अगर patient जो है acute pushed elbow के साथ है और कोई fracture की history नहीं है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, distal मतलब के arm को जो है, क्योंकि proximally मैंने कहा था ना कि radial head जो subluxate करके humerus की तरफ जो proximally जो है वो move कर गया, तो आप उसको क्या करोगे, distally track करोगे, traction दोगे, ठीक है। डिस्टल ट्रैक्शन आप अप्लाई करोगे रेडियस पे और रेडियस को अपनी जो है रेडियल हेड को अपनी जगह पे लाने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर एक्यूट कंडीशन। अगर क्रोनिक कंडीशन है तो रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हो, ठीक है, विथ ग्रेड पी थ्री डिस्टल ट्रैक्शन, ठीक है। अगर क्रोनिक केस है तो उसमें ट्रैक्शन के साथ स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हो और स्ट्रेंथनिंग टेक्निक भी करवा सकते हो मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक और टेक्निक भी यूज की जाती है अगर पेशेंट पुश्ड एल्बो के साथ आपके पास आया हुआ है, उसको कहते हैं अ क्विक कंप्रेसिव मैनिपुलेशन, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट जिसमें यूज होता है, विद सुपिनेशन कैन बी अप्लाइड टू द रेडियस। इसकी फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अगर पेशेंट पुश्ड एल्बो के साथ आपके पास आ रहा है तो आप कंप्रेसिव मैनिपुलेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्रेसिव मैनिपुलेशन टेक्निक को ह्यूमरो रेडियल कंप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है।
रिपीट कंप्रेसिव मैनिपुलेशन टेक्निक है, इसको प्लूरो रेडियल कंप्रेशन टेक्निक भी कहते हैं। इंडिकेशन क्या है, एल्बो या कुल एल्बो की सबलोकेशन हो जाए, एल्बो की मतलब रेडियल हेड अगर प्रॉक्सिमली जो है वो टिप कर जाता है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, सिटिंग या सुपाइन पोजीशन होगा। अच्छा, मैंने कहा बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है वो, इसलिए क्योंकि खास करके क्या होता है जब पेरेंट्स वगैरह या जो भी आपके जो भी गार्डन्स हैं वो अगर पेशेंट को मतलब बच्चे को जब आर्म से खींचते हैं ना तो या फिर उसको जो है जैसे कि झूला दिलवा रहे हैं या कुछ कहते हैं तो आर्म को जब खींच लेते हैं तो वहां से रेडियल हेड जो है वो सबलेक्ट कर सकता है। ठीक है, एल्बो को जब वो पुल कर देते हैं तो रेडियल हेड सबलेक्ट होते हैं। बड़ों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही, बड़ों में भी हो सकता है। बड़े जब कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर किसी चीज कोई चीज मतलब मूविंग चीज को जो है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो उनका जो है एल्बो पुल हो सकता है। बहरहाल उसके लिए जो ये टेक्निक करवाएंगे हम, उसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, सिटिंग या सुपाइन पोजीशन में होगा। अप्रोच द पेशेंट राइट हैंड टू द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड टू द लेफ्ट हैंड। ठीक है, नीचे आप फिगर भी देख लें, यानी अगर पेशेंट का राइट हैंड है तो आप उसको राइट हैंड से पकड़ोगे जैसे इसने पकड़ा हुआ। अगर पेशेंट का लेफ्ट हैंड या लेफ्ट आर्म इन्वॉल्व है तो उसको आप लेफ्ट आर्म से पकड़ोगे। स्टेबलाइजेस द एल्बो पोस्टीरियरली विद द अदर हैंड। ठीक है, एक हाथ से जो है वो पोस्टीरियरली उसने जो है वो स्टेबलाइज किया हुआ है यहाँ से, जिसे आप देख सकते हो डिस्टल ह्यूमरस से पोस्टीरियर साइड पे उसने जो है वो सपोर्ट दिया हुआ है एक हाथ से इतना पैसे। If supine stabilizing hand is under the elbow supported on the treatment table, ठीक है, क्योंकि supine position में है तो नीचे से जो है वो table के अंदर जिस तरह से उसने stabilize किया है। Place your kinar eminence against the patient's kinar eminence, ठीक है, thumb locking position जिसको बोलते हैं। अपना kinar जो है वो patient के kinar से जो है वो बिल्कुल fix कर लेंगे, thumb को lock कर देंगे जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, हम लॉक कर देंगे, किनार एमिनेंस जो है वो किनार एमिनेंस पे फिक्स कर देंगे। अच्छा, पोजीशन पूरी ये होगी, पेशेंट सुपाइन या सिटिंग, एक हाथ अगर राइट जो है वो पेशेंट का राइट हैंड या राइट एल्बो इन्वॉल्व है तो उसको आप राइट अपने राइट हैंड से पकड़ोगे, हम लॉक कर दोगे, एक हाथ से डिस्टल ह्यूमरस पे स्टेबलाइज कर दोगे। ये सारी पोजीशन है, जो फोर्स आपने लगाना है तो थेरेपिस्ट लगाएगा। साइमल्टेनियसली एक्सटेंड द पेशेंट रिस्ट, push against the kinar eminence and compresses the long axis of the radius while supinating the arm. ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ करनी है। एक तो ये जो आपने हाथ हाथ पकड़ा हुआ है पेशेंट का, यहाँ से आपने जो है वो रिस्ट को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन की तरफ फोर्स लगाना है, और दूसरा जो है वो आपको रेडियल जो है वो रेडियस को जो है वो कंप्रेस करते हुए डाउनवर्ड या डिस्क मतलब प्रॉक्सिमली कंप्रेस करते हुए सुपिनेट करना है फोरआर्म को। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस मतलब साथ साथ लगाने हैं। ठीक है, रिस्ट को भी एक्सटेंड करना है और साथ साथ सुपिनेट करते हुए रेडियल की लॉन्ग एक्सिस पे जो है वो कंप्रेसिव फोर्स भी आप लगाओगे। ठीक है, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं। इससे क्या हो सकता है कि आप जो है जो रेडियल हेड सबलेक्सेट करके अपनी जगह से मूव कर गए हैं तो उसको आप अपनी जगह पे वापस रिपोजिशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें हम करें, सेकंड फेज में करें। ठीक है, ये सारी चीजें हम सेकंड फेज में करें, स्ट्रेचिंग, पैसिव मोबिलाइजेशन ग्रेड 3-4 में। ठीक है, अगर पुश्ड एल्बो की कंप्लेंट के साथ आया है तो उसको जो है आप ट्रैक्शन दे रहे हो या हेमोरेजियल कंप्रेशन करवा रहे हो, ये सारी फेस टू में करो। उसके अलावा फेस टू में क्या करवा सकते हो, लो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस जो है वो हम करवा सकते हैं मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक करवा सकते हैं। वो किस तरह से करवाएंगे, पेशेंट जो होगा मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या होता है, मोबिलाइज भी करवा रहे हो तो साथ साथ पेशेंट मूवमेंट भी कर रहा होता है, जो भी टेक्निक मतलब दोनों काम एक साथ होते हैं तो वो आप करवा सकते हो। पेशेंट जो होगा वो सुपाइन पोजीशन में होगा, पेशेंट इज इन
fibrillation to mobilize around the proximal forearm and gently stabilizes the disc and support the forearm with the other. Apply a gentle lateral glide to the proximal ulna with the belt by moving your hip. Have the patient produce an active elbow flexion or extension movement and apply a passive overpressure to straight at the end of the knee. ठीक है, as you see in this picture. Patient क्या है, supine position है, elbow को flex position में भी रखवा सकते हो, extended position में भी रखवा सकते हो, दोनों तरीके करवा सकते हो. ठीक, और therapist जो है उसने mobilization belt जो है वो बांधा हुआ है वो इस तरह से कि patient के जो है वो एक जो है वो बेल्ट जो है वो पेशेंट के प्रोक्सिमल फोरआर्म से होते हुए अपने हिप्स के अराउंड है वो बांधा हुआ. डिस्टल ह्यूमरस से स्टेबलाइज किया है एक हाथ से हाइड्रोलिक प्रोनन प्रोसेस. ठीक है, दूसरा हाथ जो है वो फोरआर्म डिस्टल फोरआर्म पे जो है वो उसने रिस्ट जो है वो सपोर्ट दिया हुआ है. बेल्ट को वो जो एरो आप जैसे देख रहे हो बेल्ट पे ना, वो इस डायरेक्शन में खुद को मूव कर रहा है जिससे क्या हो रहा है कि लैटरल ग्लाइड अप्लाई हो रहा है प्रोक्सिमल अल्ना पे. ठीक है, तो प्रोक्सिमल अल्ना पे जो है वो लैटरल ग्लाइडिंग दे रहा है बाहर की तरफ मूव करके टपिस, और पेशेंट को कह रहा है कि साथ साथ एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट करो. ठीक है, वो पेशेंट खुद करेगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और हम क्या करेंगे एंड रेंज में जब पेशेंट फ्लेक्शन कर रहा है एंड रेंज में हम थोड़ा सा उसको फ्लेक्शन की तरफ प्रेशर देंगे, और अगर वो एक्सटेंशन कर रहा है तो हम एंड रेंज में उसको एक्सटेंशन की तरफ ओवर प्रेशर देंगे. ठीक है, तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं हम अगर पेशेंट में हाइपो मोबिलिटी है, मोबिलाइजेशन विद मोशन, तो ये भी आप करवा सकते हैं. पेशेंट क्या है, सुपाइन पोजिशन में है, एल्बो को फ्लेक्स या एक्सटेंड किसी तरह से भी रखवा सकते हो. बेल्ट बांधा हुआ है थेरेपिस्ट ने अपने हिप्स के अराउंड, और पेशेंट के जो है वो प्रॉक्सिमल जो है वो अल्ना के अराउंड. ठीक है, एक हाथ से जो है वो डिस्टल ह्यूमरस को स्टेबलाइज किया हुआ है, और एक हाथ जो है वो डिस्टल फोरआर्म पे या रिस्ट जॉइंट पे जो है वो पकड़ा हुआ है. ठीक है, बेल्ट को जो है वो बेल्ट से वो लेटरल ग्लाइड कर रहा है बाहर की तरफ, खुद को थोड़ा सा मूव कर रहा है जिससे बेल्ट क्या कर रहा है अल्ना को लेटरली ग्लाइडिंग की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है, और पेशेंट को कह रहे हैं कि साथ साथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करें एल्बो की, और हम एंड रेंज में उसको ओवर प्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं. अच्छा, ये हो गया सेकेंड फेज की बात. थर्ड फेज को रिटर्न टू फंक्शनल फेज कहा जाता है. इसमें आपका एक ही मकसद होता है कि पेशेंट की जो है वो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को ज्यादा से ज्यादा मतलब अचीव किया जाए, बढ़ाया जाए. उसके लिए आप प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं. ठीक है, और अगर जो है थर्ड फेज में जाने तक अभी तक पेशेंट में अगर रिस्ट्रिक्शंस आपको मिल रही हैं या रेंज कंप्लीट नहीं मिल रही है, तो आप जो है वो हाई इंटेंस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो. ठीक है, और जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक भी करवा सकते हैं. मैंने कहा था ना कि विग्रेस या जो है वो हाई इंटेंस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम सिर्फ क्रोनिक स्टेज में जाकर करवाते हैं, एक्यूट सब एक्यूट में नहीं करवाते. एक्यूट सब एक्यूट में जो है लो इंटेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं. ठीक है, तो क्रोनिक में भी तभी करवाओगे जब आपको लगता है कि पेशेंट में जो है अभी तक प्रिस्क्रिप्शन हमें मिल रही है, तो ही आप जो है उसको विग्रेस एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग करवाओ. ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव या नॉन ऑपरेटिव मोड की. ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट आप के पास ऐसा है जो कंजर्वेटिव ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, और आप उसको सर्जरी की तरफ रिफर कर रहे हो, तो उसके बाद मतलब सर्जरी उसकी कौन सी होगी और पोस्ट ऑपरेटिव आप क्या काम कर सकते हो, उसकी बात करते हैं. अच्छा, सर्जरी कौन कौन सी करवाई जाती है. वन इज ऑरिफ ओपन रिडक्शन इन इंटरनल फिक्सेशन. ठीक है, ऑरिफ करवा सकते हैं, ऑर्थोस्कोपिक या ऑर्थोस्कोपिकली असिस्टेड रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन या एक्सिशन ऑफ द रेडियल हेड. ये तीनों सर्जरीज कॉमन है जो करवाई जाती हैं अगर पेशेंट के जो है वो एल्बो जॉइंट का इशू होता है. ठीक है, ऑरिफ ऑर्थोस्कोपिक जो है वो इंटरनल फिक्सेशन और एक्सिशन ऑफ द रेडियल हेड, ये सर्जरीज करवाई जाती हैं. ठीक है, और हर सर्जरी के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है,
ये आपका है तो पूरा उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी आप पढ़ोगे आगे जाके, जब भी आपका ये सब्जेक्ट चल रहे तो फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कि हर सर्जरी के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस है। इसमें जो है वो शो कर रहा है सीवियरिटी ऑफ द एल्बो जॉइंट डिजीजेस एंड सिलेक्शन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स। टेबल की एक साइड पे जॉइंट की जो है वो डिजीज की सीवियरिटी बताई गई है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है बताया गया है कि अगर पेशेंट उस सीवियरिटी के साथ आ रहा है तो उसको कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर करवाया जाता है या सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, नंबर वन, अगर पेशेंट को माइल्ड साइनोमाइटिस है, जॉइंट सरफेस नॉर्मल है या मिनिमली जो है डिप्रेट है या ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ऐसे केसेस में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के पेशेंट को रखते हैं, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट को रखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट को रखते हैं। ठीक है, अगर माइल्ड साइनोमाइटिस है और जॉइंट सरफेसेस नॉर्मल मिल रहे हैं और या इतने जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं और पेशेंट को साथ साथ उसके प्रोसेस भी है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को रखो। सेकेंड जो है मॉडरेट साइनोमाइटिस अगर पेशेंट को है और देयर इज द सम लॉस ऑफ द आर्टिकल कार्टिलेज, नेरिंग ऑफ द जॉइंट इज स्पेस बट कंटोर इज मेंटेन, ऐसे केस में आर्थ्रोस्कोपिक जो है वो साइनोवेक्टमी करवाई जा सकती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि आर्थ्रोस्कोपिक जो है वो एक लाइक ए ट्यूब जो है जॉइंट पे इंसर्ट करवाई जाएगी जिसके टिप पे जो है वो कैमरा लगा होता है और आपकी जो साइनोवेल मेम्ब्रेन या जो भी आपकी गर्दन पलिश हुई साइनोवेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल वो जो है वो इंसेक्ट करके उसको मतलब सेक्शन कर दी जाती है उन एरिया की। ठीक है, या फिर रिसेक्शन ऑफ द रेडियल हेड विद साइनोवेक्टमी, दोनों करवाई जाती है, साइनोवेक्टमी विद रेडियल हेड रिसेक्शन। थर्ड, मॉडरेट टू सीवियर साइनोवाइटिस है अगर पेशेंट, ठीक है, साइनोवेल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन जो है वो मॉडरेट टू सीवियर है, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस है और जो है वो कोलेटरल लिगामेंट लैकिंग इंटैक्ट है, ठीक है, ऐसे केस में क्या करवा सकते हैं, रीसरफेसिंग टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी और पॉसिबली इन द ग्रोइंग चाइल्ड एंड इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी। रीसरफेसिंग टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी करवा सकते हो, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो ग्रोइंग चाइल्ड है तो ऐसे पेशेंट में आप इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी। सीवियर साइनोवाइटिस है अगर पेशेंट को साइनोवेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा सीवियरली इंफ्लामेशन है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव है, देयर इज द कंप्लीट लॉस ऑफ द जॉइंट स्पेस, बिल्कुल बोन टू बोन आर्टिकुलेशन हो गई है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम हो गई है, खत्म हो गई है, जॉइंट इनस्टेबिलिटी है, मतलब कि आपके लिगामेंट्स भी जो है वो उनकी भी जो है वो टियर हो गया है या फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, ठीक है, बोन लॉस है, एंकोलाइसिस है, तो ऐसे कंडीशन में फिर जो है वो सेमी कंस्ट्रेन टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी सजेस्ट की जाती है। सबसे पहले आ जाते हैं रेडियल हेड एक्सेशन और आर्थ्रोप्लास्टी। इस सर्जरी की इंडिकेशन क्या है, सर्जरी तब करवाई जाती है व्हेन देयर इज अ सीवियरली टर्मिनेटेड फ्रैक्चर और द फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द हेड और द नेक ऑफ द रेडियस दैट कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड स्टेबलाइज्ड विद द इंटरनल फिक्सेशन। सीवियरली टर्मिनेटेड फ्रैक्चर में, टर्मिनेटेड फ्रैक्चर का आपको पता है कि बोन जो है वो सीवियर पार्ट में जो है वो टूट जाता है, इस टाइप का कोई फ्रैक्चर है या ऐसा कोई फ्रैक्चर है जिसमें रेडियस का हेड और नेक इस तरह से बिल्कुल सीवियरली डिसलोकेट हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है उसका, कि उसको जो इंटरनल फिक्सेशन से स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केसेस में रेडियल हेड एक्सेशन, मतलब रेडियल हेड को ही वो जो है वो आप काट करके कट करके निकाल देते हैं। या फिर ऐसे केसेस में देयर इज अ क्रॉनिक साइनोवाइटिस एंड माइल्ड डिटरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेसेस एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस ऑफ द hemorrhoidal and proximal radioulnar joint resulting in the joint pain at rest or with motion, possibly subluxation of the head of radius and significant loss of the upper extremity. तो radial head extension या arthroplasty surgery के indication contraindication पे बात हो रही थी। indication मैंने बता दिया कि किस cases में जो है वो surgery जो है option होती है या recommend की जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन रेडियल हेड एक्सीडेंट सर्जरी जो है वो बच्चों में नहीं करवाई जाती,
ग्रोइंग टेल्स होते हैं उन्हें नहीं करवाई जाती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उनकी ग्रोथ पे जो है वो इफेक्ट कर सकती है, ग्रोथ को रोक सकते हैं, तो उनमें नहीं करवाते. एक्सिशन विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द रेडियल, एक्सिशन विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द रेडियल हेड इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द डैमेज्ड लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो एक्सिशन सर्जरी विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द रेडियल हेड, मैंने कहा था कि जब रेडियल हेड को रिप्लेस मतलब एक्सिशन कर रहे हैं उसकी, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसकी जगह पे इम्प्लांट मतलब आर्टिफिशियल रेडियल हेड लगाते हैं या नहीं लगाते, सर्जन के पास भी ऑप्शन है. ठीक है, तो एक्सिशन विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ रेडियल हेड इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द डैमेज्ड लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स. अगर पेशेंट के लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स के जो तीन लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो लेटरल साइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिगामेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से तीन हैं, अगर वो डैमेज हैं, ठीक है, वो भी साथ साथ डैमेज हैं या वो भी कॉम्प्रोमाइज हैं, तो ऐसे केसेस में जो है वो एक्सिशन सर्जरी, रेडियल हेड एक्सिशन सर्जरी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको जो है वो रेडियल हेड उसकी जगह कोई इम्प्लांट नहीं किया जाए, तो ऐसी सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है, बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. As with the other joint arthroplasty, also is contraindicated with active infection. ठीक है, जैसे कि दूसरे joints में arthroplasty infection, अगर patient infection active infection के साथ ही arthroplasty नहीं करवाते, उस पर इसमें भी अगर patient को कोई infection है, joint infection है, कोई भी active infection है, तो ऐसे cases में जो है हम नहीं करवाते हैं arthroplasty. ठीक है, complications इंट्रा ऑपरेटिव भी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव भी होती है. इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग सर्जरी क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं. ठीक है, सर्जरी के दौरान आपके जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जब सर्जरी हो रही है, तो उस वक्त क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव भी क्या सकती है. इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एक तो ये हो सकती है कि डैमेज टू द पोस्टीरियर इंटरस्टिशियल नर्व के केस में पोस्टीरियरली अप्रोच की जाती है, तो पोस्टीरियर इंटरस्टिशियल जो है वो नर्व को डैमेज हो सकती है, मतलब सर्जन को उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कॉमन है, तो ये हो सकता है. इम्प्लांट मेल पोजिशन और इनएक्यूरेट साइजिंग कैन कॉल द पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड हेड ऑफ न्यूरो रेडियल इनस्टेबिलिटी. अगर जो इम्प्लांट लगाया जा रहा है रेडियल हेड को एक्सिशन करवा के, जो इम्प्लांट लगाया जा रहा है या जो भी इंटरनल फिक्सेशन के लिए जो भी नट्स ये वो पिंस वगैरह यूज की जा रहे हैं, अगर इनएक्यूरेट साइज की है, तो उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो पेशेंट पेन की कंप्लेन कर सकता है, या फिर जॉइंट इनस्टेबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन कंप्रोमाइज हो सकता है. ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कि इससे डिलेड बोन क्लोजर, इंफेक्शन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ एल्बो, पर्सिस्टेंट पेन, sense of instability, slight proximal migration of the radius may occur, and osteoarthritis of humeroradial joint also may develop over time. So these are the post-operative complications of arthroplasty surgery. Okay, these are post-operative complications. Delay bowel healing, infection, limited range of motion of elbow, persistent pain, sense of instability, slight proximal migration of the radius, osteoarthritis of the humeroradial joint. Okay, these are the complications after surgery that can occur. ये तो indication, contraindication, complications पे बात होगी कि अगर surgery करवाई जाती है तो उसकी क्या indication, contraindication, complications होगी. ठीक है, अब management पे आ जाता हूँ कि management में जो है आप क्या करवा सकते हो. सबसे पहले इमोबिलाइजेशन, द एल्बो इज इमोबिलाइज्ड कंटीन्यूअसली इन द वेल पैडेड पोस्टीरियर रेस्टिंग स्प्लेन इन द पोजीशन ऑफ 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एंड मिड पोजीशन ऑफ द फोरआर्म आफ्टर सर्जरी. द स्प्लेन इज रिमूव्ड फॉर द एक्सरसाइजेस बट इज रिप्लेस्ड आफ्टर द एक्सरसाइजेस एंड ड्रॉन एट नाइट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोटेक्ट द हीलिंग टिश्यू. जो इमोबिलाइजर जो है वो आपको उसको पहनाओगे या जो सपोर्ट पहनाती हो या जो स्लिंग पहनाती हो उसको 90 डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन पोजीशन में पहनाओगे. ठीक है, और जो फोरआर्म होगी वो मिड पोजीशन मतलब न्यूट्रल पोजीशन में होगी, मिड पोन पोजीशन जिसको कहते हैं, मतलब ना पूरी पोनेशन होगी ना स्प्लिनेशन होगी,
उनको लेटर पोजीशन में होते हैं, तो इस पोजीशन में जो है रेस्ट करवाते अच्छी लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। और सिम जो है वो कंटिन्यूसली टर्नेगा, पेशेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के वक्त करता रहेगा, इवन नाइट में भी पहन के रखता है, ठीक है। रात में सोते वक्त जो उसको सजेस्ट करना है तो उसको स्लिंग पहन के चलना है। उसके बाद आ जाता है फेज वन, जिसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज भी कहते हैं। फेज वन में जो है आप उसको क्या सजेस्ट कर, फेज वन जो होता है वो 6 वीक्स का होता है, मतलब सर्जरी के बाद जो इनिशियल 6 वीक्स होते हैं वो फेज वन होता है। उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, पेशेंट को एजुकेट करोगे, वही जो मैंने कहा तो उसको पूरा गाइड करना है क्या उसके लिए सही है, कौन सी पोजिशन सही है, वेट लिफ्टिंग करनी नहीं करनी, कितनी करनी है, स्लिम कितनी देर पहने, मतलब पूरी उसको एजुकेट करोगे पेशेंट को। वोन केयर, कंट्रोल ऑफ द पेन एंड एडिमा, ठीक है, पेन और एडिमा को कंट्रोल करना है, उसके लिए स्लिम बना सकते हो, क्रायोथेरेपी कर सकते हो, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाओगे नियर बाय जॉइंट्स की, पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड करवाते हो एल्बो जॉइंट की, इन्वॉल्व जॉइंट की, उसका लेटरल कोलेटरल कॉम्प्लेक्स वाज रिपेयर। अगर जो है वो आर्थ्रोप्लास्टिक के साथ साथ लेटरल कॉम्प्लेक्स या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो डिस्टर्ब थे उनकी भी रिपेयरिंग की गई है सर्जरी में, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, सुपिनेशन को लिमिट रखते हो 20 डिग्री पे ड्यूरिंग द अर्ली वीक्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अगर इनिशियल वीक्स में उसको 20 डिग्री से ज्यादा सुपिनेशन अलाउ नहीं करोगे, अगर लेटरल कोलेटरल कॉम्प्लेक्स की भी जो है रिपेयरिंग साथ साथ हो सकता है, ठीक है। मॉडरेट टू मिनिमम प्रोटेक्शन फेज, मतलब फेज टू एंड फेज थ्री, जो फेज वन होता है उसको कहते हैं मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, जो फेज टू होता है उसको कहते हैं मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज, फेज थ्री होता है उसको कहते हैं मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। फेज टू और थ्री क्या होता है, जो आफ्टर 6 वीक्स, मिशन 6 वीक्स फेज वन होता है, आफ्टर 6 वीक्स फेज टू फेज थ्री, उसमें जो है हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाने, ठीक है। तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो मैंने इनिशियली जैसे नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से बात सुनी कि फर्स्ट फेज में क्या करवाते हैं, सेकंड फेज में क्या करवाते हैं, हमारा वक्त क्या होता है, थर्ड फेज में क्या करवाते हैं, तो इसमें भी सब वही है, मतलब प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम होते हैं, बस ये होता है कि थोड़ा सा वो टाइम पीरियड का फर्क होता है कि इसमें जो है वो फेज 1-6 वीक का है और इमोबिलाइजर जो है वो ज्यादा टाइम पहन के रखना है और किस पोजीशन में रखना है, ये सारी चीजें बाकी ओवरऑल प्रोटोकॉल सेम होते हैं कि सेकंड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में क्या करना है। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेचिंग या PNF टेक्निक्स जो है वो आप शुरू करवाते हो ताकि रेंज को इम्प्रूव करवाया जा सके, मोबिलाइजेशन करवाते हो ब्रेथिंग में, ठीक है, और अगर ऑसिलेटिंग करवाते हो जिसमें इनका तो फोर में जा सकते हो। लेकिन नेक्स्ट है जो है आपका टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी, जिसको कहते हैं, इस सर्जरी में जो है इस सर्जरी के इंडिकेशंस क्या है, सीवियर पेन, आर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फेमोरल अल्नर एंड फेमोरल रेडियल जॉइंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजनरेटिव आर्थराइटिस और प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉस इनस्टेबिलिटी, एक्यूट कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, नॉन यूनियन फ्रैक्चर, these all are the indications of the TEA, total elbow arthroplasty. Contraindications kya hai elbow arthroplasty ki, total elbow arthroplasty, theek hai. Acha pehle jo surgery ki baat hum kar rahe the usme kya tha, radial head resection arthroplasty, usme jo hai sirf radial head ki resection ki ja rahi thi. ये जो टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी है इसमें आपका ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट भी है जो है वो उसकी भी आर्थ्रोप्लास्टी हो रही है और जो है आपका ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट भी पूरा कॉम्प्लेक्स ह्यूमरस रेडियल अल्नर तीनों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और उस तीनों की जो है वो आर्थ्रोप्लास्टी जो है वो या रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, उस चीज को कंट्रोल नहीं करिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, एक जो है वो एब्सोल्यूट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव एक्यूट और सब एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है, अगर इन्फेक्शन है एक्टिव तो उसमें आर्थ्रोप्लास्टी टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी नहीं करवाएंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लीडिंग टू पैरालिसिस
an inadequate control of the elbow muscles, particularly the elbow flexors. अगर पेशेंट किसी न्यूरोलॉजिकल जो है वो डिसफंक्शन के साथ है, जिसके नतीजे में पैरालिसिस हुई है या जिसके नतीजे में एल्बो के मसल्स कम्प्रोमाइज हुए हैं, स्पेशली फ्लेक्सर्स, ऐसे कंडीशंस में टोटल एल्बो ऑर्थोप्लास्टी नहीं करवाई जाती। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस एल्बो इन्फेक्शन, इरिपेयरेबल सपोर्टिंग लिगामेंट, इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ एल्बो एक्सटेंसर्स, heterotopic ossificans or painfully ankylosis, insufficient bone stroke, the younger patient, particularly one who must lift the heavy loads more than 10 pounds after TEA. These are jo hai wo contraindication hai. Bone stroke, insufficient bone stroke. Insufficient bone stroke ka matlab hai ki jo hai patient बिल्कुल जो है वो सब बोन मास जो है वो लीन है, बिल्कुल जो है वो बोन मास नहीं है, तो जाहिर सी बात है तो इम्प्लांट कहाँ फिक्स करवाओगी? अगर बोन देखते हैं जो है वो वहाँ पे बोन मटेरियल ही नहीं है तो उसको किसमें फिक्स करवाओगी? ठीक है, और यंगर पेशेंट्स, ऐसे यंगर पेशेंट्स जिनका काम जो है वो हैवी लिफ्टिंग है, ठीक है, और उसकी एज यंग है, ऐसे केसेस में भी जो है नहीं करवाओगे। अच्छा, ये पिक्चर है, एक्सरे जो है वो शो कर रहा है आर्थोप्लास्टी, टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी। जो फिगर ए है वो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, जो फिगर बी है वो लेटरल व्यू है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा आर्टिफिशियल इम्प्लांट जो है वो लगाया गया है। अच्छा, टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी के जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? ठीक, तीन कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। वन इज जॉइंट इनस्टेबिलिटी, सेकंड ट्राइसेप इनसफिशिएंसी, थर्ड इज इम्प्लांट लूजिंग। ठीक है, ये जो है तीनों बहुत कॉमन है, आपके बुक में है ये बॉक्स किया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जिसको जो नहीं समझ आए तो आप इसको वापस। ठीक है, तो तीन कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन है, जॉइंट इनस्टेबिलिटी, ट्राइसेप इनसफिशिएंसी और इम्प्लांट लूजिंग। ठीक है, ये तो बात हो गई टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन पे। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट में, कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करवाते हैं ये। सबसे पहले तो इमोबिलाइजेशन जैसे हर केस में होता है। ठीक है, इमोबिलाइजेशन अब डिपेंड आप बात आती है कि किस पोजिशन में इमोबिलाइज करना है और कितनी ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को करना है, कि इमोबिलाइजर कैसे रखें। तो इमोबिलाइजर जो है वो पोजिशन की बात की जाए, पोजिशन ऑफ इमोबिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग द सर्जिकल अप्रोच, सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा यूज किया गया है, इम्प्लांट डिजाइन कौन सा इम्प्लांट जो है वो डिजाइन लगाया गया है, व्हिच सॉफ्ट टिश्यू आर रिपेयर्ड एंड रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन, कौन सी अप्रोच यूज की गई है, कौन से सॉफ्ट टिश्यू को डिस्टर्ब किया गया है, रिपेयर किया गया है और किसको प्रोटेक्शन जो है वो जो है रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप अप्रोच यूज की गई है, ट्राइसेप अप्रोच मतलब यूज की गई है कि पीछे से जो है वो कट लगा के आर्थोप्लास्टी की गई है, तो ऐसे केसेस में हम पोस्टीरियर स्प्लिंट्स बनाते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर रेस्टिव स्प्लिंट्स। और पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन उसमें क्या रखते हैं कि क्योंकि ट्राइसेप को जो है वो छेड़ा गया है ट्राइसेप की मसल को, ट्राइसेप का काम क्या है, एक्सटेंशन करवाना, तो एल्बो को जो है वो एक्सटेंडेड पोजिशन में हम स्प्लिंट नहीं बनाते। तो जब आप एक्सटेंशन में रखते हो एल्बो को तो वहां पे क्या है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अगर ऐसी पोजीशन में स्प्लिंट पहनाते हैं तो ट्राइसेप हर वक्त कॉन्ट्रेक्शन में रहेगा, तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगा, हमें उसको रेस्टिंग देनी है। ठीक है, तो उसको स्लाइट फ्लेक्शन पोजीशन में जो है वो आप स्प्लिंट पहनाते हो। ठीक है, थोड़ी सी मतलब 30 डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन आप कर सकते हो, फुल फ्लेक्शन भी नहीं रखवाओगे। फुल फ्लेक्शन अगर रखवाओगे तो ट्राइसेप स्ट्रेचिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, और पहले से ही उसको जो है वो रिपेयर किया गया है, उसकी जो है वो प्रॉपर हील नहीं है और आप उसकी स्ट्रेचिंग करवाते हो तो वो दोबारा जो है वो उस पे जो है वो टियर आ सकता है। ठीक है, तो
तो पोजीशन डिपेंड करती है कि कौन सी अप्रोच यूज की गई, कौन से मसल को जो है वो डिस्टर्ब किया गया है। उसके अलावा दूसरी बात, एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी अप्रोच यूज की गई है या कौन सी सर्जरी की गई है, और दूसरा डिपेंड करता है जैसे मैंने बात की थी ना लिंक्ड अनलिंक्ड आर्थ्रोप्लास्टी। लिंक्ड मैंने कहा था कि कंस्टेंट को कहते हैं, अनलिंक्ड अनकंस्टेंट को कहते हैं। तो जो अनलिंक्ड जो होती है सर्जरी उसमें लिटिल इंस्टेबिलिटी होती है, और जो लिंक्ड होती है उसमें इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर अनलिंक्ड सर्जरी की गई है क्योंकि उसमें लिटिल इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन रखोगे। जो इमोबिलाइजर पहनाओगे वो ज्यादा समय तक पहनाओगे, ज्यादा टाइम तक पहनाओगे। और अगर लिंक्ड जो है वो सर्जरी की गई है तो ऐसे केसेस में जो है वो आप शॉर्ट टाइम के लिए जो इमोबिलाइजर पहनाते हो और एक्सरसाइजेस भी जल्दी स्टार्ट करवा देते हो अगर लिंक सर्जरी की गई है। लिंक्ड आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसमें इतना वो नहीं होता कि दोबारा जो है वो डिसलोकेट या स्टेबिलाइजर होता है, उसके इतने रिस्क नहीं होते। तो लिंक सर्जरी की गई है तो उसको इमोबिलाइजर शॉर्ट टाइम के लिए पहनाते हो और कोशिश करते हो पेशेंट को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइजेस की तरफ आया जाए, 2 से 3 दिन में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाते हो। लेकिन अगर अनलिंक करवाते हो तो कुछ दिन जो है वो तकरीबन जो है वो आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाते, ठीक है। उसके बाद जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हो वो भी बहुत लाइट और इमोबिलाइजर से तभी उतारते हो जब एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हो, नहीं तो एक्सरसाइजेस के वक्त जो है वो सॉरी नहीं तो इमोबिलाइजर से बीमार होने लगता है। और दूसरी बात ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो दूसरी ड्यूरेशन इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि ड्यूरेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल हो ताकि स्टिफनेस को अवॉइड किया जाए। बट इन द पेशेंट हु हैज द कोमॉर्बिड्स व्हिच कैन इंटरफेयर विद द हीलिंग प्रोसेस, दे रिक्वायर द लॉन्ग टाइम ऑफ द प्रोटेक्शन, तो उसको जो है ज्यादा टाइम के लिए इमोबिलाइजर देना। अच्छा, ये टेबल जो है वो शो कर रही है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेस आफ्टर द टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी, के प्रोग्रेशन जो एक्सरसाइज में हम कह रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अच्छा, एक साइड पे फैक्टर्स दिए गए हैं क्योंकि दूसरी साइड पे जो है वो दैट इज द इंपैक्ट ऑन रिहैबिलिटेशन। अगर डिजाइन ऑफ प्रोसेसेस जो है वो लिंक्ड या सेमी कंस्ट्रेंट जिसको कह रहे हैं या अनलिंक्ड है, आइडियल रेंज ऑफ मोशन एंड यूज ऑफ द ऑपरेटिव अपर एक्सट्रीमिटी फॉर द लाइट एडियलिस विद द लिंक्ड semi-constant replacement, which typically do not require the ligament repair for the joint instability, joint instability. वही जो मैंने बात की कि अगर लिंक्ड जो है वो सर्जरी करवाई जाती है तो उसमें स्टेबिलिटी का इतना इशू नहीं होता, लिगामेंट उसमें ठीक होते हैं, लिगामेंट रिपेयर नहीं होता है उसमें, ऐसे केसेस में अर्ली रेंज ऑफ मोशन जो है वो स्टार्ट करवा देती है। मोर प्रोटेक्टेड कंट्रोल्ड मोशन ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस एंड डिलेड यूज ऑफ द एडियलिस विद अनलिंक्ड, ठीक है। और अनलिंक्ड जो है वो रिप्लेसमेंट की गई है तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ और कंट्रोल्ड मोशन एक्सरसाइजेस जो है वो, और वो काफी टाइम के बाद जो है वो एडिलेस पिलाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपसे कर ली थी। सर्जिकल अप्रोच ट्राइसेप अगर यूज की गई है, ठीक है, सेकंड लाइन में देखें सर्जिकल अप्रोच अगर ट्राइसेप अप्रोच या ट्राइसेप स्टेयरिंग यूज की गई, initially post operative range of motion permissible through the greater range of the flexion and early active anti-gravity elbow extension, low loaded resisted exercises and light ADLS with a tricep approach. agar tricep approaching use kai hai ki gayi hai to initially jo hai wo flexion activities mein aap greater range mein ja sakte ho and earlier active एंटी ग्रेविटी एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है। और जो है एंटी ग्रेविटी मतलब जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है उसमें आप रेजिस्टेंस वगैरह या कोई ऐसी चीजें रेजिस्टेड एक्सरसाइज एक्सटेंसेस की इस्तेमाल नहीं करते अगर ट्राइसेप अप्रोच यूज की गई हो। फ्लेक्शन की आप फुल एक्टिव रेजिस्टेड जो भी हो करवा सकते हो ताकि एक्सटेंसेस पे आप लोग को थोड़ा सा वो जो है वो केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। अगर लिगामेंट्स जो है वो इंटैक्ट है तो आप जल्दी जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाते हो, वही बात की गई है। जैसे लिंक और अनलिंक बोन हीलिंग की बात की जाए तो बोन हीलिंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एल्बो इन एन एक्सटेंशन स्किन
relayed in the range, like then the posterior skin quality is poor and healing of the incision is likely to be delayed. Wound healing की बात की गई है कि अगर जो है वो longer अगर आपकी skin की quality, patient की skin की quality poor है और longer duration के लिए mobilization पहनाया गया है extension skin, तो इससे क्या होगा कि wound healing में जो है वो delay हो सकता है. आपका joint तो stabilize हो जाएगा mobilizer की वजह से, लेकिन जो wound है वो उसकी healing में जो है वो हो सकता है. ओके, तो स्किन की जो है क्वालिटी वगैरह को भी देखो, तो उस हिसाब से जो है स्किन और ड्यूरेशन से टेस्ट हो. ऑनलाइन न्यूरोपैथिक में रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड इमोबिलाइजेशन इन एक्सटेंशन स्किन और द डिले ऑफ द सर्विस. अगर पेशेंट को जो है वो जॉइंट का इशू भी है, लेकिन साथ साथ अंडर न्यूरोपैथी भी है, अंडर इशू का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है इमोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड टाइम, ओके, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको उसको मोबिलाइज करके रखना पड़ेगा और एक्सरसाइजेज में थोड़ा सा डिले करना पड़ता. सर्जिकल रिलीज ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव एल्बो फ्लेक्शन कॉन्टेक्ट. अगर पेशेंट को जो है वो टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी के साथ साथ जो है वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर भी थे, ठीक है, उसकी भी रिलीज करवाया गया है, उसकी भी सर्जरी जा सकता है, ठीक है. दे में रिक्वायर्ड द यूज ऑफ एक्सटेंशन स्प्लिन एट द नाइट फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये तो नॉर्मल सी बात है, आप मतलब कॉमन सेंस की बात है. जैसे मैंने कहा कि अगर ट्राइसेप अप्रोच यूज होती है तो आप समझ जाओ कि ट्राइसेप अप्रोच यूज हुई है तो ट्राइसेप को छेड़ा गया. ट्राइसेप का काम क्या था, एक्सटेंशन करवाना. तो हम स्प्लिन ऐसा रखते हैं कि एल्बो को फ्लेक्स करके स्लिम बनाते हैं, क्योंकि फुली फ्लेक्स भी नहीं करवाते ताकि स्ट्रेच ना आए, एक्सटेंड भी नहीं करवाते ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो. मतलब ट्राइसेप को कोशिश होती है कि रिलैक्स पोजीशन में रखना है. इसी तरह से अगर फ्लेक्सन कॉन्ट्रैक्चर जो है वो रिलीज करवाए गए हैं, ठीक है, फ्लेक्सन कॉन्ट्रैक्चर्स क्यों बनते हैं, कि आपके जो है फ्लेक्सिस मसल बाइसेप ब्रैकियलिस वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, वो ओवर टाइट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको सर्जिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करवाया जाता है. ऐसे केसेस में अगर ये वाली सर्जरी चल गई है तो ऐसे केसेस में स्किन जो है वो एल्बो को एक्सटेंड करके पहना के आते हैं, क्योंकि हमने करवाए पहले से ही पेशेंट का फ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने सर्जरी की है, तो फिर हम दोबारा उसको फ्लेक्सिव पोजिशन में मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो उसको हम उसको एक्सटेंशन जो है वो पोजिशन में मोबिलाइज करते हैं. Precautions after total elbow arthroplasty. ये एक किस्म की पूरी समरी है आपकी, ये पढ़ ली प्रक्रिया पूरी टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी की, कि रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस में क्या प्रिकॉशंस करने हैं. परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ओनली विद इन द आर्क ऑफ द मोशन एटलीस्ट ड्यूरिंग सर्जरी टू रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेस ऑन द रिपेयर ट्राइसेप मैकेनिज्म, अवॉइड एंड रेंज फ्लेक्शन during assisted range of motion and active anti-gravity elbow extension for 3 to 4 weeks. अगर tricep approach use की गई है तो full flexion जो है वो end range तक नहीं, लेकिन जब अगर assisted भी करवा रही हो या active जो भी exercise करवा रही हो, flexion को भी end range में नहीं लेके जाना है ताकि tricep stretch ना हो, और anti-gravity elbow extension exercise जो है वो नहीं करवाते initially 3 to 4 weeks. Also avoid early end range elbow flexion to decrease stress on incision and reduce the risk of the compromising bone healing. If elbow stability is questionable, ठीक है, अगर stability का भी issue है, the ligaments be involved again, as in unlinking EA, limit the full extension of the elbow and the rotation of the forearm, particularly supination. Past lateral to avoid overload on the repaired lateral ligaments for the 4 weeks. The initial 4 weeks में हम कोशिश करते हैं कि full extension या rotation जो है मतलब supination pronation activities वो नहीं करवाए initial 4 weeks. With an unlinked replacement, the greater risk of instability is when the elbow is extended beyond the 40 to 50 degrees. ठीक है, अगर unlinked जो है वो surgery की गई है मतलब ligaments भी involved हैं, ligaments की जो है वो वीक है,
तो ऐसे केसेस में अगर 40 to 50 degrees ऑफ एक्सटेंशन से ज्यादा जाते हैं तो फिर वो मतलब सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, दोबारा जो है वो डिसलोकेशन एंड सबलोकेशन हो सकती है। इफ सिम्टम्स ऑफ द अनलेवल कंप्रेशन आर नोटेड, अवॉइड द प्रोलॉन्ग पोजिशन ऑफ द स्ट्रेचिंग इनटू द एंडेंट लेग। जैसे मैंने कहा कि अगर साथ साथ अनलेवल नर्व भी जो है वो इन्वॉल्व है तो ऐसे केसेस में हमें स्ट्रेचिंग जो है वो एंड रेंज फ्लेगडन की एंड रेंज में जो है उसको अवॉइड करना है और पेशेंट को कहना है कि एल्बो को किसी एक ही पोजीशन में मुसलसल ना रखें, उसकी पोजीशन बार बार चेंज करता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में क्या ध्यान करना है, क्या प्रिकॉशंस करनी है, पोस्टपोन द रजिस्टर्ड एल्बो एक्सटेंशन फॉर द 6 weeks से 12 weeks ठीक है। ये वही बात जो मैंने पहले भी आपसे की कि अगर रेसिप अप्रोच यूज होती है तो हम कोशिश करते हैं कि एल्बो के एक्सटेंसर्स की जो है वो रजिस्टर्ड एक्सरसाइज इनिशियली ना करवाएं। तो ये टाइम भी बताया गया है कि कब तक, कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 6 weeks नहीं तो 12 मतलब कम से कम 6 weeks ज्यादा से ज्यादा करेंगे। व्हेन स्ट्रेंथनिंग द शोल्डर अप्लाई द रेजिस्टेंस अबव द एल्बो टू एलिमिनेट द स्ट्रेस ओवर द एल्बो जॉइंट ठीक है, क्योंकि नियर बाय जॉइंट्स की भी तो एक्सरसाइज करवानी है। तो जब नियर बाय जॉइंट्स का जब शोल्डर वगैरह की एक्सरसाइजेस करवा रहे हो और शोल्डर की रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रहे हो तो कोशिश करो कि एल्बो जॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करो, एल्बो जॉइंट के नीचे नहीं। इससे क्या होगा कि एल्बो जॉइंट पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग यूजिंग मॉडरेट एंड हाई लोड इज नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर द टीईए। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस ठीक है, भले वो मॉडरेट लोड के साथ हो या हाई लोड के साथ हो, वो टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी के बाद नहीं की जाती है, मना की जाता है। फंक्शनल एक्टिविटीज में क्या जो है ध्यान रखना है आफ्टर द सर्जरी, अवॉइड द लिफ्टिंग और द कैरिंग एनी ऑब्जेक्ट विद ऑपरेटिव एक्सट्रीमिटी फॉर 6 weeks और द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 to 3 pounds, ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 pound फॉर द 3 months। If the tricep mechanism was detached and repaired, avoid the pushing motion, including propelling the wheelchair, pushing up from the chair, and using a walker practice other than forearm platform design, or the cane for at least 6 weeks or as long as 3 months. If an unlimited replacement was implanted, do not lift the weight objects during the daily hours or daily tasks with the elbow extended to avoid the shear forces across the lateral ligament, which could contribute to the posterior lateral instability. Limited the repetitive lifting to the 1 pound for the first 3 months, 2 pounds for the first 6 months, and no more than 5 pounds thereafter. Never lift more than 10 to 15 pounds in a single lift. Do not participate in the recreational activities such as golf, volleyball, cricket sports that places the high loads on the or impacts across the elbow. ये सारी चीजों की जो है वो ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं तो आप पेशेंट को अच्छे से एजुकेट कर सकते हो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भी आपको आते हैं। क्योंकि मायोसिस्टोसिफिकेंस मैंने बहुत दफा आपको वर्जिस किया है। Myosis-ossificans होता क्या है? Myosis-ossificans और heterotopic ectopic bone formation, ठीक है, ये सारे synonyms थे। Myosis-ossificans को heterotopic bone formation, ectopic bone formation भी कहते हैं। It is to describe the bone formation on the atopical side or at the injured side. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि bone की जो है वो क्या कहते हैं? इंजर्ड साइड पे या टिपिकल साइड पे एक्स्ट्रा बोन की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि बोन की ओवर ग्रोथ हो गई। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर ओनली फॉर द मसल ऑसिफिकेशन, ठीक है, नाम से जा रहे हैं मायोसिस ऑसिफिकेशन, जो ऑसिफिकेशन हो रही है बोन फॉर्मेशन जो होती है ज्यादातर वो मसल्स में हो रही है। मोर हाइपरट्रॉफिक बोन फॉर्मेशन इन द मसल टेंडन कैप्सूल एंड लिगामेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अलावा जो है वो मसल टेंडन कैप्सूल और लिगामेंट स्ट्रक्चर में भी हो सकती है। एटियोलॉजी ऑफ द सिम्टम्स, इट्स नॉट अ कॉमन फिनोमेना, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो है अगर होती भी है तो मोस्टली इट इन्वॉल्व द साइड थाई एंड एल्बो,
उसमें ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अगर वो भी है तो एल्बो थाई में कॉमन है. बोन फॉर्मेशन इन द एल्बो रीजन इट इज सीन इन द ब्रेकलिस मसल और द जॉइंट एप्रोन. एल्बो में अगर होती है तो ज्यादातर ब्रेकलिस मसल या फिर जॉइंट एप्रोन में कॉमन है. Because of the trauma such as the comminuted fracture of the radial head, a fracture dislocation or the tear if the brachialis tendon. अगर trauma हो जाता है, comminuted fracture हो जाता है, इस वजह से radial head जो है वो dislocate कर जाए, या brachialis muscle tendon जो है tear हो जाए, तो ऐसे cases में जो है वो myocyst ossificans हो सकती है. या फिर the patients with TBI, total brain injury, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और द बर्न्स आर प्रोन टू डेवलप दिस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव और द एग्रेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द एल्बो फ्लेक्सस आफ्टर इंजरी और इमोबिलाइजेशन. ठीक है, मैंने पहले भी आपसे बात की कि अगर ब्रेकियलिस मसल किसी वजह से जो है उसकी इंजरी हुई है और आप उसकी एग्रेसिव स्ट्रेचिंग करवाते हो तो आप उसको मायोसिस ऑसिफिकेंस मतलब करवा सकते हो. ठीक है, पहले भी मैंने बात की, इसमें भी यही बताया गया है कि अगर पेशेंट टोटल ब्रेन इंजरी के साथ है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या बर्न के साथ है. ठीक है, ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ क्या होगा कि पेशेंट जैसी सी बातें वो पैरालिसिस हो जाएगा, उसमें स्टिफनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइटनेस या स्टिफनेस हो जाती है. या फिर बर्न के पेशेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्चर्स कॉमन है ज्यादातर जो है वो फ्लेक्सस की देखा हो गया आपने. हमारा मकसद जैसे हमारे पास पेशेंट आएगा लाइफ में तो हमारा ये होता है कि जो इनकी टाइट मसल से हम उनकी स्ट्रेचिंग करवाएं. ठीक है, पेशेंट कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ आ रहा है या स्टिफनेस के साथ जैसे स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट आ रहा है स्टिफनेस के साथ आ रहा है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो टाइट मसल से उनकी हमें स्ट्रेचिंग करवानी है. एल्बो फ्लेक्सस उनमें टाइट होते हैं ब्रेकलेस मसल तो उस वक्त हमें ध्यान करना है कि हम उनको जो स्ट्रेचिंग करवाएं वो मतलब केयरफुल रेंज में करवाएं, केयरफुली करवाएं, मतलब एक लिमिट में करवाएं, एग्रेसिव ना करवाएं. ठीक, तो अगर आप एग्रेसिव करवाते हो तो फिर आप जो है वो उसकी माइसिस कर सकते हैं, उसमें क्रिएट करवा सकते हैं, उस चीज का ध्यान रखना है. या फिर अगर पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब प्लास्टर वगैरह लगाया हुआ है, उसने काफी अच्छे तक इमोबिलाइज करके रखा, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि मायोसिस ऑसिफिकेंस का रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, किस तरह से हो सकती है. ठीक है, ये उसका एक्सरे शो किया गया है. अगर पेशेंट की मायोसिस ऑसिफिकेंस से यूट्रोट्रॉपिक बोन फॉर्मेशन है तो उसका एक्सरे आपके साथ से मिलेगा. ठीक है, देख सकते हो आप किस तरह से नॉर्मल बोन फॉर्मेशन है, उस तरह से एल्बो जॉइंट का एक्सरे आपको मिलेगा. Myosis ossificans is distinguished from the traumatic arthritis of neuroalgia joint. Okay, myosis ossificans में भी आपको जो भी आपको movement है elbow की restriction मिलती है, लेकिन वो जो है आर्थराइटिस से किस तरह से डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपका आर्थराइटिस आता है ना, ज्यादातर पेशेंट्स ज्यादातर मतलब उसको आर्थराइटिस समझ के पूछ रहे होते हैं तो उससे किस तरह से डिफरेंशिएट है या किस तरह से आप उसको डायग्नोस डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हो, उस तरह से कि जो है मायोसिस ऑसिफिकेंस से मायोसिस ऑसिफिकेंस अगर पेशेंट को है तो उसमें पैसिव एक्सटेंशन इज मोर लिमिटेड. पेशेंट को अगर पैसिव एक्सटेंशन करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा लिमिटेशन मिलेगी या रिस्ट्रिक्टिव मिलेगी और रिजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन जो है वो पेनफुल मिलेगी. जब पेशेंट को पैसिवली एक्सटेंड करवाओगे ना एल्बो को तो बहुत ज्यादा आपको रिस्ट्रिक्टिव मिलेगी, पेशेंट नहीं कर पाएगा. और दूसरा एल्बो की जो है वो एल्बो के फ्लेक्शन में जब आप रेजिस्टेंस दे रहे होते हो पेशेंट को कहते हो फ्लेक्स करने की कोशिश करें तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा. ठीक है, इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आर्थराइटिस से. आर्थराइटिस में तो आपको ऑल ओवर फ्लेक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, एक्सटेंशन में भी रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, डोनेशन सुपरनेशन मतलब हर मोमेंट में आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगी. लेकिन जो मायोसिस ऑसिफिकेंस से उसको जो है पैसिव एक्सपेंशन में और रजिस्टर्ड एल्बो फ्लेक्शन में जो है
आपको प्रॉब्लम मिलेगा. फ्लेक्जन कॉजेस पेन इन द मिड रेंज, ठीक है. और फ्लेक्जन में जो भी पेन होती होता है वो मिड रेंज में होता है, क्योंकि मिड रेंज में क्या होता है, मिड रेंज में क्या होता है कि जो ब्रेकियस मसल है वो स्टक हो जाता है बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना. तो पहले से ही जिस मसल में जो है वो हिपोट्रॉफिक बोन फॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अपने मास से ज्यादा वो जो है वो एक्सट्रीमली बढ़ गया है साइज में, तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना. तो मिड फ्लेक्जन रेंज में आपको पेन मिलेगा. रेजिस्टेड फ्लेक्जन इन द मिड रेंज कॉजेज पेन इन द ब्रेकियस मसल एंड इज टेंडर टू टच, क्योंकि ब्रेकियल मसल को जब आप टच करोगे तो टेंडरनेस होगी, टच करने पे पेशेंट पेन को कंप्लेन करेगा. The bone formation is formed on the individual's muscle fibers or around their joint tissue. Okay, जो bone formation या abnormal bone formation जो भी बोलेंगे वो muscle fiber में भी हो सकती है, joint tissue के around भी हो सकती है. और within the 2 to 4 weeks years making it to the front of the body. और जब ये create होती है तो 2 से 4 हफ्ते मतलब 2 से 4 हफ्ते में muscle आपको बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रेम नजर आएगा और जिसको टच करने में पेशेंट को पेन भी होगा. कैन परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट एल्बो मोशन एंड इट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बी ऑब्जर्व्ड ओवर सेवन मंथ्स. अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंटली एल्बो मोमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि खुद ब खुद जो है वो बोन रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. तो किसी कैसे सीरियर भी होता है, किसी कैसे में खुद बखुद चला जाता है. मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट पे आ जाते हैं कि माइसिस्ट्रोसिफिकेंस की मैनेजमेंट क्या है. इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसी को मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके बनाएंगे. चाहिए मसाज, पैसिव स्ट्रेचिंग एंड रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. ठीक है, जो मसाज, पैसिव स्ट्रेचिंग और जो है वो आपके रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन द माइसिस ऑसिफिकेंस. इफ द ब्रेकियस मसल इज इंप्लिकेटेड आफ्टर शोमा, द एल्बो शुड बी केप्ट एट रेस्ट इन द स्प्लिन व्हिच शुड बी रिमूव्ड ओनली पीरियडिकली ड्यूरिंग द डे फॉर द एक्टिव पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन. रेस्ट शुड कंटिन्यू अंटिल द बोनी मास मैच्योर एंड देन रिजॉल्व. If the capsule also is involved, surgical excision of the heterotrophic bone formation from the muscle or PE, the frontal elbow arthroplasty is necessary only in the rare instance. अगर myocyst ossification ossification का जो है वो case है तो massage उसमें बिल्कुल नहीं करवाते, contraindicated होते हैं. Passive stretching नहीं करवाते, contraindicated होती है. Resisted exercises नहीं करवाते. तो तीनों जो होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, पेशेंट में बिल्कुल नहीं करवाते. करवाते क्या हैं हम कि पेशेंट को स्प्लिन देके टोटली रेस्ट में रखवाते हैं, ठीक है. पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव वो भी रेजिस्टेड नहीं, एक्टिव पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हो वो भी पेन फ्री रेंज में. उसके लिए बस थोड़ी देर के लिए जो है स्प्लिन हटाओ के बाकी पूरा टाइम बना के रखते पेशेंट को रेस्ट में रखते हैं, ठीक है. और रेस्ट में रखते हैं मतलब टाइम देते हैं कि बोन खुद ही मैच्योर होकर रिजॉल्व हो जाए. अगर फिर भी नहीं होता देन या फिर ऐसे केसेस जिसमें जो है वो बोन फॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन है ये एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन है वो कैप्सूल में है, ठीक है. तो ऐसे केसेस में फिर सर्जिकल ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा बोन होते हैं उसकी एक्सिशन कर देते हैं, उसको काट के हटा देते हैं. या फिर सम केसेस में ऐसा होता है कि बहुत बहुत सीवियर ही होता है तो उसको टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी करी जाती है. बहुत ही रेयर केसेस होते हैं. ठीक है, ओवरयूज सिंड्रोम कर रहे थे हम लोगों निकल जाएंगे. ओवरयूज सिंड्रोम का मैंने बताया था कि ओवरयूज सिंड्रोम जो होते हैं मोस्टली वो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स टेंडन्स में जो है जहाँ से फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स मसल्स ओरिजिन कर रहे हैं मोस्टली वहां पे होते हैं ओवरयूज सिंड्रोम, ठीक है. आपको पता है कि फ्लेक्सर्स मसल्स जो हैं वो मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिन कर रहे हैं, एक्सटेंसर जो हैं वो लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिन कर रहे हैं. तो अगर वहाँ पे ओवरयूज की वजह से कोई भी इशू होता है
तो वो चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसको हम टेनिस और गोल्फर एल्बो भी कह रहे थे। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिकोंडिलाइटिस एंड या टेंडनाइटिस और टेंडिनोसिस, ठीक है। टेंडनाइटिस और टेंडिनोसिस में क्या डिफरेंस है? टेंडनाइटिस क्या होता है कि इसमें जो है आपके टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओवर यूज की वजह से और ये एक्यूट कंडीशन होती है। और टेंडिनोसिस या टेंडिनोपैथी भी जिसको कह रहे हैं, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं जॉइंट में या कोलेजन टिश्यूज में, ठीक है, और उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती। टेनिस एल्बो जिसको लेटरल एपिकोंडिलाइटिस भी कह रहे हैं, इसमें क्या रिस्ट के एक्सटेंसर्स का ओवर यूज होने की वजह से रिस्ट के एक्सटेंसर जिस जगह से ओरिजिन कर रहे हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है लेटरल एपिकोंडाइल पे। और पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि उसको लेटरल साइड ऑफ द एल्बो पे पेन आ रहा है जब वो रिस्ट की एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहा है रिपीटेडली, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसमें बार बार रिस्ट की एक्सटेंशन हो रही है, ऐसी एक्टिविटीज में उस एपिकोंडाइल पे पेन हो रहा है या लेटरल फोरआर्म पे पेन आ रहा है, ठीक है, सच एज द कंप्यूटर की बोर्डिंग या पुलिंग बीड्स इन द गार्डन, तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो उसको पेन क्रिएट करवा रही होती है। ज्यादातर जो मसल इन्वॉल्व होता है जिसके ओवर यूज की वजह से लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस या टेनिस एल्बो होता है वो एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस मसल होता है। बाकी मसल भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके लिए पॉजिटिव टेस्ट कौन से होंगे? टेस्ट मैंने आप लोग को करवा दिए थे, ठीक है। और बाकी अगर नॉर्मली उसको देखा जाए तो पेशेंट एक तो टेंडरनेस उसकी पॉजिटिव होगी लेटरल साइड पे, दूसरा रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन में जो है वो उसको पेन आएगा। जब एल्बो एक्सटेंडेड के साथ रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन आप करवाते हो तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। और पैसिव फ्लेक्जन के पैसिव रिस्ट फ्लेक्जन विथ एल्बो एक्सटेंडेड ये पोजीशन भी करवाते हो तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, ठीक है, विथ फोरआर्म प्रोनेटेड। इसी तरह से गोल्फर एल्बो जिसको मीडियल एपिकोंडिलाइटिस कह रहे हैं, ठीक है, ये किस वजह से होता है? अगर रिस्ट के फ्लेक्सर्स का ओवर यूज हो जाए, ठीक है, बंदे का प्रोफेशन ऐसा है, उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको बार बार रिस्ट की फ्लेक्शन करनी पड़ रही है, तो उसका अगर ओवर यूज हो जाता है मसल जो है वो ओवर फटीक हो जाए तो उसकी वजह से गोल्फर एल्बो हो सकता है, ठीक है। गोल्फर जो है प्लेयर्स में ये बहुत कॉमन है इसीलिए इसका नाम भी गोल्फर एल्बो दिया गया है। पॉजिटिव टेस्ट ये भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि इसके क्या क्या टेस्ट हैं। इसमें जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा, एक तो मीडियल साइड फोरआर्म पे टेंडरनेस होगी उसको जब भी रिस्ट की एक्सटेंड रिस्ट की फ्लेक्शन मूवमेंट्स करेगा रिपीटेडली, ठीक है, या कोई ऐसे काम करेगा जिससे बार बार रिस्ट की फ्लेक्शन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट बोलेगा कि उसका पेन जो है वो मीडियल साइड फोरआर्म पे बहुत ज्यादा पेन पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन विथ एल्बो एक्सटेंडेड, ये चीज दोनों में याद रखिएगा कि रेजिस्ट मूवमेंट करवा रहे हैं या पैसिव जो भी करवा रहे हैं टेनिस और गोल्फर एल्बो में जिससे पेन एग्रीवेट हो रहा है लेकिन एल्बो एक्सटेंडेड है, ठीक है, एल्बो दोनों में एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड एल्बो के साथ जब रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन करवाएंगे तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा मीडियल एपिकोंडाइल पे, या फिर एक्सटेंडेड एल्बो के साथ जब रिस्ट पैसिव रिस्ट एक्सटेंशन करवाएंगे पैसिवली तब भी जो है वो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा एट द मीडियल एपिकोंडाइल, तो हम कहते हैं कि इसको मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस है, ठीक है। ओवरयूज सिंड्रोम की मैनेजमेंट, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, तो दिस इज द नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द ओवरयूज सिंड्रोम। फेज वन जिसको प्रोटेक्शन फेज कहते हैं उसमें हमारा पहला मकसद होता है पेन को डिक्रीज करवाना, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करवाना, एडिमा या स्पाज्म हो तो उसको डिक्रीज करवाना। तो उसके लिए एक तो हम इमोबिलाइज करते हैं पेशेंट को, ठीक है, कोकअप स्प्लिंट मैंने बताया था आपको जब हम लोग
लास्ट स्लाइड्स में मैंने कॉकअप स्प्लिन की पिक्चर दिखाई थी किस तरह से होता है, ठीक है। इमोबिलाइजर पहनाते हैं, क्रायोथेरेपी करवाते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है, अगर पेन को डिक्रीज करना है, इन्फ्लेमेशन एडिमा वगैरह को डिक्रीज करना है तो। उसके अलावा क्रॉस फाइबर मसाज, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको जो है वो रिलीज करवाने के लिए क्रॉस फाइबर मसाज करवा सकते हैं। उसके अलावा फेज वन में न्यूरो मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं अगर नर्व टेंशन टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, अगर नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है तो, ठीक है। न्यूरो मोबिलाइजेशन को न्यूरो डायनामिक्स भी कहते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हुई हैं कि किस तरह से नर्व टेंशन टेस्ट करते हैं, अलर्ट नर्व टेस्ट किस तरह से करते हैं, मीडियन, एक्सिलरी, रेडियल, ये सारी मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। अगर वो वाले टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए न्यूरो मोबिलाइजेशन या न्यूरो डायनामिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। न्यूरो मोबिलाइजेशन भी मैंने आपको बताई थी, नर्व टेंशन टेस्ट जिस तरह से पॉजिटिव आ रही है तो उसी को आप एज ए ट्रीटमेंट किस तरह से यूज कर सकते हो, अगर आप लोग को याद है तो, ठीक है। एक्टिव एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज ऑफ द शोल्डर एंड द स्केपुलर मसल, जो नियर बाई जॉइंट्स हैं, ठीक है, शोल्डर हो गया, स्केपुला हो गया, उसकी एक्टिव और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और दूसरा, उसके अलावा हमारा मकसद होता है कि सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट मोबिलिटी को जो है वो मेंटेन रखना, उसके लिए टेंस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आप करवाओगे पेन फ्री रेंज में। अच्छा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की बात हो रही थी कि जॉइंट मोबिलिटी को मेंटेन रखना है तो लो इंटेंस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेन फ्री रेंज में, ठीक है। तो कौन सी आइसोमेट्रिक टेक्निक्स करवाते हैं, किस कंडीशन में कौन सी आइसोमेट्रिक टेक्निक्स करवाते हैं, ये इसमें ये बता रहे हैं। इस स्लाइड में जो है, दिस इज द रिस्ट एक्सटेंसर्स मसल, अगर रिस्ट एक्सटेंसर्स मसल्स अफेक्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो किस में थे, जैसे आपके टेनिस एल्बो में थे, सही है, टेनिस एल्बो में रिस्ट के एक्सटेंसर्स मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे ना, उसका ओवर यूज सिंड्रोम हो रहा था, तो उसके लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोमेट्रिक। पेशेंट जो होगा सिटिंग विद द एल्बो फ्लेक्स्ड, फोरआर्म प्रोनेटेड, रेस्टिंग ऑन द टेबल, ठीक है, इसकी पिक्चर है, नेक्स्ट में होनी तो चाहिए, नहीं है। पेशेंट जो होगा सिटिंग में होगा, एल्बो फ्लेक्स्ड, फोरआर्म प्रोनेटेड, रेस्टिंग ऑन द टेबल एंड द रिस्ट इन द एक्सटेंशन, ठीक है। बिगिन विथ जेंटल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन विद द रिस्ट एक्सटेंसेस इन द शॉर्ट पोजिशन, रिजिस्ट द रिस्ट एक्सटेंशन, होल्ड द कॉन्ट्रेक्शन फॉर द 6 seconds, रिलैक्स एंड। अच्छा, इसके लिए मुझे कोई तो वीडियो डाउनलोड करना लग चाहिए था ताकि आप लोग को सही समझ आए। बहरहाल, पेशेंट जो होगा इनिशियली क्या होगा, सिटिंग पोजिशन में होगा और इनिशियली एल्बो जो होगी वो फ्लेक्स्ड होगी और फोरआर्म प्रोनेटेड होगा, ठीक है, और टेबल पे सपोर्ट दिलवा देंगे। रिस्ट एक्सटेंसर्स की जो है स्ट्रेंथनिंग करवानी है, उसके लिए हम जो स्टार्ट पोजीशन जो होगी ना, फ्लेक्स एल्बो के साथ रख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि जब भी आप एल्बो एक्सटेंडेड के साथ जो मूवमेंट करवा रहे हो तो पेन एग्रीवेट होता है टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो में, ठीक है, ये बात मैंने कही थी कि एल्बो एक्सटेंडेड के साथ जो भी रिस्ट की मूवमेंट करवा रहे हैं, पैसिव या रेजिस्टिव, जो भी जिसका है प्रोवोकेशन, तो एल्बो एक्सटेंडेड के साथ एग्रीवेट होता है पेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं तो हम जो है इनिशियली उसको एग्रीवेट नहीं करवाएंगे या प्रोवोकेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इनिशियली हम उस पोजिशन में स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे जिसमें पेशेंट ईजी हो, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली एल्बो को फ्लेक्स करके रख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पहले सिटिंग विद द एल्बो फ्लेक्स्ड, ठीक है, फ्लेक्स एल्बो के साथ जो है हमने पेशेंट को बिठाया हुआ है और फोरआर्म जो है वो प्रोनेटेड है एंड द रिस्ट इज इन एक्सटेंशन। बिगिन विद जेंटल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन विद द रिस्ट एक्सटेंसर्स इन द शॉर्ट पोजिशन। इस पोजिशन में एल्बो फ्लेक्स्ड है, पेशेंट सिटिंग है, फोरआर्म प्रोनेटेड है और जो है रिस्ट एक्सटेंडेड है और माइनर से एक्सटेंड करके रखा गया है, फुल भी रेंज में एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, रिस्ट को माइनर से स्लाइटली एक्सटेंड करके रखा गया है और वहां पे उसको रेजिस्टेंस देके उसको कह रहे हैं इसको फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह से हम जो है एटलीस्ट 6 seconds तक उसको रोकते हैं,
जो रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 सेकंड्स तक है एटलीस्ट जो है उसको रेजिस्टेंस देते हैं एंड देन रिलैक्स करवाते हैं इस तरह से तकरीबन 8 से 10 दफा यही चीज रिपीट करवाते हैं, ठीक है। देन जो है हम रिस्ट को फ्लेक्जन की तरफ लेके जाते हैं, उसी तरह से फिर पेशेंट को बोलेंगे कि अब जो है आप हाथ को फ्लेक्स करने की कोशिश करो, मैं आपको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, हम जो है फ्लेक्जन में रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से तकरीबन 6 से 7 सेकंड्स जो है उसको होल्ड करवाएंगे और 8 से 10 दफा रिपीट करवाएंगे, ठीक है। जब पेशेंट ये चीज इजीली कर लेता है, पेन फ्री, मतलब पेन फ्री कर लेता है, फ्लेक्सर्स जो है वो बिल्कुल पेन फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, देन हम क्या करते हैं कि एल्बो को एक्सटेंड करवाते हैं, देन वही चीज जो है वही कहानी रिपीट करते हैं। क्लियर हुई ये चीज, ये दोबारा एक्सप्लेन करूँ सिंपल वर्ड से? अच्छा, आप जिस तरह से मैं बताती जाती हूँ तो आप इमेजिन करेंगे तो आपके आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास पिक्चर नहीं है, अगर होगी तो मैं डाउनलोड करके इस पे अटैच करके फिर आपके पास ये स्लाइड्स भेजूंगी, ठीक है। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, ठीक है। इनिशियली क्या करवाएंगे, एल्बो फ्लेक्स के साथ पेशेंट को बिठाया हुआ है, एल्बो फ्लेक्स प्रोनेटेड एंड रिस्ट इन द स्लाइट एक्सटेंशन, ठीक है। ये पोजीशन आप खुद पे परफॉर्म करके देखो, पेशेंट सिटिंग में है, फोरआर्म पहले प्रोनेट करो, प्रोनेटेड पोजीशन में फोरआर्म को रखो, अब एल्बो को फ्लेक्स कर लो और रिस्ट को थोड़ा सा स्लाइटली एक्सटेंड करो, ठीक है। जैसे हाई फाई वाली पोजीशन होती है ना कि किसी को हाई फाई करते हैं, तो वो वाली पोजीशन बनेगी, ठीक है। उस पोजीशन में हम पेशेंट को रिजिस्टेड एक्सटेंशन करवाते हैं फॉर 8 to 10 टाइम्स 6 सेकेंड्स की होल्डिंग के साथ, ठीक है। उसी तरह से फिर पेशेंट को जो है पेशेंट की रिस्ट एल्बो की फोरआर्म की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ रिस्ट की जो हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन करवाई हुई है, अब रिस्ट को जो है फ्लेक्जन में लेके आएंगे और फ्लेक्जन में उसकी रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। कुछ दिन पेशेंट का यही ट्रीटमेंट चलता है, कुछ दिन के बाद जब हम देखते हैं कि पेशेंट अब एक्सटेंशन में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर पा रहा है थोड़ी बहुत, मतलब उसको टॉलरेट कर रहा है और फ्लेक्जन इजीली हो रही है पेशेंट की, फुल फ्लेक्जन में कोई भी पेन नहीं है, देन हम क्या करते हैं, अब पेशेंट को जो है वो एल्बो को एक्सटेंड करवा के रखते हैं, फोरआर्म प्रोनेटेड होता है और वही स्लाइटली होगी रिस्ट, अब पेशेंट को जो है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाएंगे एक्सटेंशन में एंड देन फ्लेक्जन में, ठीक है। इनिशियली कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी लगते हैं कि पेशेंट, तो यही बात हो रही थी कि पेशेंट को रिस्टेड जो है वो रिस्ट की एक्सटेंशन फ्लेक्जन एक्सरसाइजेस करवाते हैं विथ एल्बो फ्लेक्स इनिशियली एंड देन एल्बो एक्सटेंडेड, एल्बो एक्सटेंशन में लिखा हुआ है ना नीचे पॉइंट, इट मे टेक सेवरल वीक्स टू रीच दिस पोजीशन, हो सकता है कि मतलब काफी हफ्ते लग जाए कि पेशेंट एक्सटेंडेड पोजीशन में जो है वो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कर पाए, उसमें काफी दिन लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप ये सारी चीज करवा लोगे, तो ट्रीटमेंट जो है वो जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हो तो वो वाला ट्रीटमेंट हम कुछ वीक्स के लिए करवाते हैं, पेशेंट उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, इजीली कर लेता है, पेन फ्री कर लेता है, देन जो है हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो रही थी रिस्ट एक्सटेंसर्स की, ठीक है। अब रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग किस तरह से करवाएंगे, आइसोमेट्रिक, क्या आइसोमेट्रिक टेक्निक्स करवा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पेशेंट होगा कि पेशेंट की सिटिंग में पोजिशन, पेशेंट को सिटिंग में बिठाएंगे, एल्बो फ्लेक्स्ड होगा और जो है रेस्ट करेगा टेबल पे, और रिस्ट जो होगी इनिशियली क्या होगी, इन द फ्लेक्जन। यहाँ पे हम एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे तो दो चीजें डिफरेंस है, एक तो फोरआर्म प्रोनेटेड है, ठीक है, और रिस्ट इनिशियली एक्सटेंशन में रखवा के, रिस्ट को इनिशियली जो स्टार्ट पोजीशन कर रहे हैं हम लोग स्लाइड एक्सटेंशन में करवा के पहले रेजिस्टेड एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं रिस्ट की, ठीक है। लेकिन अगर फ्लेक्सर्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो पेशेंट जो होगा एल्बो तो फ्लेक्स्ड होगा लेकिन फोरआर्म जो होगा वो सिंपल जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में होगा, रेस्टिंग पोजीशन में होगा, और रिस्ट को इनिशियली हम स्लाइड फ्लेक्जन पोजीशन में रखवाते हैं और इनिशियली रेजिस्टेड फ्लेक्जन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। उस तरह से मतलब 8 से 10 दफा आप 6 सेकंड्स की होल्डिंग के साथ करवा लोगे, उसके बाद
जो है उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंशन में लेके जाओगे, रिस्ट को फुल एक्सटेंशन में नहीं लेके जाओगे, ठीक है, स्लाइट एक्सटेंशन में लेके जाओगे, और एक्सटेंशन जो है वो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाओगे उसी तरह से 8 से 10 दफा 6 सेकंड्स की होल्डिंग के साथ। जब कुछ दिन बाद पेशेंट ये चीजें आराम से कर लेगा और उसकी फुल एक्सटेंशन रिस्ट की पेन फ्री होगी, ठीक है, रिस्ट की फुल एक्सटेंशन पेन फ्री कर लेगा, देन आप जो है फिर एक्सटेंडेड एल्बो के साथ सेम चीज करते हो, एल्बो के एक्सटेंशन में लेके जाओगे, फोरआर्म सुपिनेटेड होगा और जो है इनिशियली फ्लेक्सेस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाओगे, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाओगे एंड देन एक्सटेंशंस की, ठीक है। कंट्रोल्ड मोशन फेज एंड रिटर्न टू फंक्शनल फेज, ठीक है, फेज 2 एंड फेज 3। इसमें हमारा पहला मकसद होता है पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, उसको जो है वापस अचीव करना। उसके लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मैनुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सारी लास्ट के पोर्शन में है तो इसमें शायद मतलब इतनी ज्यादा नहीं लिखी हुई कि सेल्फ किस तरह से करवाते हैं, कौन बाइसेप की किस तरह से है, ट्राइसेप की किस तरह से है, सुपिनेटर्स की किस तरह से करवाते हैं, एक्सटेंसर्स की किस तरह से करवाते हैं, वो सारे लास्ट सेक्शन में, ठीक है। बहरहाल सेकेंड और थर्ड फेज में जो है हमारा मकसद होता है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करना, उसके लिए स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मैनुअली भी करवा सकते हैं, सेल्फ भी करवा सकते हैं। फॉर द मैनुअल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स फॉर द बोथ द रिस्ट फ्लेक्सेस एंड एक्सटेंसर्स एंड द एल्बो मस्ट बी एक्सटेंडेड द रिस्ट एक्सटेंसर टू नेट द फोरआर्म फ्लेक्स एंड अल्नर डेविएट द रिस्ट एंड फ्लेक्स द फिंगर्स एंड टू स्ट्रेच द रिस्ट फ्लेक्सेस supinate the forearm, extend radially deviate the wrist and extend the fingers, ठीक है। के जब भी wrist के flexors, wrist की बात हो रही है, elbow की बात नहीं है, हो रही, ठीक है। wrist के flexors और extensors की जब भी stretching करवानी हो तो elbow को हमेशा extended रखते हैं, ठीक है। अगर wrist के extensors की strengthening करवानी है तो उसके लिए आप जिस तरह से बताती जाती हूँ उस तरह से position करें तो आपको फील होगा रिस्ट के एक्सटेंसर्स में स्ट्रेच पड़ रहा है। एल्बो को एक्सटेंड करके रखें, फोरआर्म को प्रोनेट करके रखें। अब रिस्ट को आप जो है वो फुली जो है वो फ्लेक्स करो और अल्नर डेविएशन की तरफ लेके जाओ, ठीक है। अब फिंगर्स को भी फ्लेक्स कर लो, ठीक है, स्ट्रेच फील हो रहा है। इस तरह से आप रिस्ट के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग करवाते हो। इसी तरह से फ्लेक्सेस की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करोगे, एल्बो एक्सटेंडेड होगा, फोरआर्म सुपिनेटेड होगा, ठीक है, पाम मतलब ऊपर छत की तरफ होगा, पाम सीधा, एल्बो एक्सटेंडेड है, फोरआर्म सुपिनेटेड है, एक्सटेंड करो रिस्ट को और रेडियली डेविएट करो और फिंगर्स को भी फुली एक्सटेंड करो। इससे आपके जो है वो रिस्ट के फ्लेक्सेस जो है वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। ये तो मैनुअल ही है, ठीक है, कि आप थेरेपिस्ट किस तरह से करवाता है, ये तो मैं आपको कह रही हूँ ना, खुद करके देखो, वरना ये जो थेरेपिस्ट करवाता है मैनुअली ये सारी पोजीशन, ठीक है, सर सी बात है, जब कोई और फोर्स लगा रहा होगा तो उस हिसाब से फिर स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच फील होगा। आगे पोजिशन है वैसे इसकी, दिखाती हूँ किस पोजिशन में करवाते हैं, ठीक है। एक ये देख लें, इसी तरह की पोजीशन होती है, ये तो खैर सेल्फ है, मैनुअली भी इसी तरह से ही होती है पोजीशन के, फोरआर्म जो है वो प्रोनेटेड है, एल्बो एक्सटेंडेड है, रिस्ट फ्लेक्शन में है, ठीक है, और अल्नर डेविएट करके फिंगर्स को भी फ्लेक्स करें, फर्दर ये चीज ऐड कर लो, बाकी पोजीशन सेम होती है, ठीक है। सुपिनेशन वाली यही पोजीशन है के जो है वो फोरआर्म सुपिनेटेड है, एल्बो है, रिस्ट एक्सटेंशन में है, फिंगर्स एक्सटेंशन में है, और जो है हम रेडियली डेविएट थोड़ा सा उसको रेडियल डेविएशन की तरफ लेके जा रहे हैं, इससे आप रिस्ट के फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ठीक है। पोजीशन इसी तरह की होती है, ये तो सेल्फ कर रहा है, मैनुअली इसी पोजिशन में थेरेपिस्ट जो है वो स्ट्रेच कर रहा होता है, सही है, और उसके अलावा है सेल्फ स्ट्रेचिंग, ठीक है।
स्ट्रेचिंग करवाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, दूसरा हम क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन मसाज करवा सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन मसाज में जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्रिक्शन मसाज में कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, पहले आप पूरे प्रेशर से एक पॉइंट जो है सेट कर लोगे और उसको मेंटेन रखते हुए आप जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर में जो है वो मसाज कर रहे हो। ठीक है, वो आप करवा सकते हो। एल्बो स्लीव सपोर्ट या स्ट्रैप यूज कर सकते हैं। आपको याद है कि आपको लास्ट लेक्चर की शायद बात याद होगी कि एक टेस्ट मैंने करवाया था जिसमें हम क्या कह रहे थे कि एल्बो पे यहाँ पे प्रॉक्सिमल फोरआर्म पे एक बैंड बांधते हैं और हम पेशेंट से जो है जो भी मूवमेंट एक्टिविटी करवा रहे हैं तो पेशेंट को पेन रिलीफ फील होता है, तो हम कह रहे थे कि टेस्ट पॉजिटिव है। तो मतलब उससे ये चीज जाहिर हो रही थी कि अगर आप सपोर्ट बनाते हो तो पेशेंट को पेन रिलीव हो रहा है, मतलब उसको समझो कि मतलब वो उसके लिए फायदेमंद है, ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो पेशेंट को सपोर्ट या स्लीव भी पहनाओगे आप अगर उसको जो है वो ओवर यूज सिंड्रोम है। उसके अलावा मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक कर सकते हो। दूसरी सेल्फ मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक होती है, वो कर सकते हो। किस तरह से होती है अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करवाने पे हमारा सेकंड और थर्ड फेज में हमेशा फोकस होता है, तो यहाँ पे भी हम वही करवाएंगे। उसके लिए आइसोमेट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हो, डायनामिक रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हो। ठीक है, और प्लियोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं उन पेशेंट्स को जो के जिनका ऑक्यूपेशन वो स्पोर्ट रिलेटेड है या फिर उनकी एक्टिविटीज ऐसी है कि उनको एल्बो या फोरआर्म की पावर ज्यादा चाहिए, तो उनको प्लियोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। प्लियोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में पूरी जो है वो सारी मतलब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रिलेटेड जो टेक्निक्स होती है ना उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवाई जाती है ताकि उनको उसमें जो है वो ट्रेन किया जा सके। तो प्लियोमेट्रिक में पूरा वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ चला जाएगा। तो ये सिर्फ उनको ही करवाते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट नंबर 4। मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट किस तरह से करवाते हैं? दिस इज मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट फॉर द लेटरल एपिकोंडिलाइटिस। अगर पेशेंट को टेनिस एल्बो है तो उसको ये वाली टेक्निक करवाएंगे हम। पेशेंट क्या होगा, स्पाइन पोजिशन में है विथ फोरआर्म प्रोनेटेड। पिक्चर को देखते जाइए, मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ, पिक्चर को देखते जाइए। पेशेंट इज इन स्पाइन पोजीशन विद फोरआर्म प्रोनेटेड। प्लेस द मोबिलाइजेशन बेल्ट अराउंड द पेशेंट प्रॉक्सिमल फोरआर्म एंड अक्रॉस द शोल्डर एंड स्टेबलाइजेस द डिस्टल ह्यूमरस विद वन हैंड। अप्लाई द लेटरल ग्लाइड टू द फोरआर्म थ्रू द बेल्ट एंड देन हैव अ पेशेंट टू repeatedly extend the wrist against the manual resistance. ठीक है, patient supine position में है, ठीक है, forearm pronated है, belt जो है therapist ने उसका एक जो है वो सिरा आपने shoulder पे जो है cover मतलब क्या कहते हैं क्या हुआ है round क्या हुआ है और दूसरा जो है वो forearm पे। ठीक है, एक हाथ से उसने डिस्टल ह्यूमरस से ये रहा, ठीक है, डिस्टल ह्यूमरस से यहाँ से स्टेबलाइज किया है, दूसरा हाथ उसका रिस्ट पे है। अब हम थेरेपिस्ट क्या करेगा, दो मूवमेंट साइमल्टेनियसली कर रहा है, एक तो खुद को जो है वो पीछे की तरफ जो है वो फोर्स लगा की वजह से यहाँ पे लेटरल ग्लाइडिंग हो रही है अल्लाह पे। ठीक है, और दूसरा पेशेंट को कह रहा है कि आप रिस्क को एक्सटेंड करने की कोशिश करो, मैं आपको रेजिस्टेंस दूंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ हो रही है। अब क्या हो रहा है कि मोबिलाइजेशन भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है। मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक ये करवाते हैं फॉर द टेनिस एल्बो। ठीक है, पेशेंट जो है स्पाइन पोजिशन में है, फोरआर्म सुपिनेटेड है, सॉरी प्रोनेटेड है, फोरआर्म प्रोनेटेड है, बेल्ट यूज किया गया है फॉर द मोबिलाइजेशन ग्लाइडिंग। ठीक है, जिसको फोरआर्म और थेरेपिस्ट ने अपने शोल्डर से जो है वो राउंड किया हुआ है।
पेशेंट का थेरेपिस्ट का एक हाथ जो है वो डिस्टल ह्यूमरस पे है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो है वो रिस्क पे है। पेशेंट को जो है लेटरल ग्लाइड दे रहे हैं और साथ साथ डिजिस्टेड एक्सटेंशन करवा रहे हैं मूवमेंट, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं इस चीज पे ना, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक पे। तो उनमें ये देखा गया है कि अगर पेशेंट टेंस एल्बो के साथ है और उसको टेक्निक अगर हम करवाते हैं तो एक या दो सेशन में ही आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स नजर आएंगे इसके, बहुत ही मतलब अच्छे इफेक्ट्स हैं। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, अगर आप आगे जब फाइनल ईयर में भी जा रहे हो तो आप इन चीजों में से ही टॉपिक जो है अपने पिक कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीजें हम पढ़ाते जा रहे हैं ना, तो कहीं पे आपको कोई मतलब वो हो रहा है तो आप उसको आगे जाके प्रैक्टिकली भी मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। उसका ही अल्टरनेटिव मेथड बताया गया, इसमें बेल्ट के साथ कर रहा है, इसमें जो है थेरेपिस्ट जो है वो अपने हाथ के साथ अपनी हैंड फोर्स के साथ कर रहा है, ठीक है। लेटरल ग्लाइड जो है वो अपने ही जो है हाथ के साथ लेटरल ग्लाइड कर रहा है और पेशेंट जो है पेशेंट के हाथ में सीक्वेंस मतलब फिजियो बॉल होता है जो सीक्वेंस हो सकता है या एक इन्फ्लेटेबल बल्ब आता है, ठीक है, मतलब जिसको आप इजीली सीक्वेंस कर सकते हो, तो वो पेशेंट के हाथ में दे देते हैं और पेशेंट जो है वो उसको जो है सीक्वेंस करता है, उसको छोड़ता है, सीक्वेंस करना शुरू करता है, मतलब फिजियो बॉल की एक्टिविटी साथ साथ करता है और हम जो है वो यहाँ से लेटरल ग्लाइड करते हैं, ठीक है। ये भी फॉर द टेनिस एल्बो ही है। पेशेंट उसी तरह से सुपाइन पोजीशन में है, फोरआर्म प्रोनेटेड है, ठीक है। तो दोनों टेक्निक्स जो आपको इजी लगती है इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब सेल्फ मोबिलाईजेशन विथ मूवमेंट, इसमें तो थेरेपिस्ट कर रहा है, पेशेंट खुद से कैसे कर सकता है, ठीक है। ये भी फॉर द टेनिस एल्बो है, ये हम पेशेंट को घर के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है विद द ह्यूमरस ऑफ द इन्वॉल्व्ड एल्बो स्टेबलाइज अगेंस्ट द फ्रेम, द फोरआर्म इन द ओपनिंग पोजिशन, ठीक है। इसके ये पूरा ह्यूमरस जो है वो सपोर्टेड है डोर फ्रेम के साथ, ठीक है, फोरआर्म जो है वो ओपन पोजीशन में। देन अप्लाइज द लेटरल ग्लाइड फोर्स अगेंस्ट द प्रॉक्सिमल फोरआर्म विद द कॉन्ट्रालेटरल हैंड, द पेशेंट देन डज द रिपीटेटिव ग्रिपिंग और द सिक्योरिंग अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स सच एज द न्यूमेटिक बल्ब और सिक्योरिंग बॉल। एक जो अनइन्वॉल्वड हैंड है पेशेंट उस हाथ से जो है अपने ही जो है इन्वॉल्वड हैंड है उसको लेटरल ग्लाइड देगा यहाँ से और दूसरा हाथ में वो सीक्वेंस बॉल फिजियो बॉल वगैरह पकड़ लेगा और उसको बार बार जो है वो एक किस्म का रेजिस्टिव एक्टिविटी, ठीक है। इस तरह से वो सेल्फ मूवमेंट टेक्निक भी कर सकता है फॉर द लेटरल एपिकोडिलाइटिस। पेशेंट स्टैंडिंग पोजिशन में ह्यूमरस को उसने जो है वो सपोर्ट दिया हुआ है वॉल या डोर फ्रेम के साथ, उसके साथ उसके अलावा फर्दर सपोर्ट के लिए रोल भी में रखना हुआ है और फोरआर्म जो है वो ओपन पोजीशन में है, ओपन पोजीशन में है, सुपिनेटेड है, एक हाथ से लेटरली ग्लाइड कर रहा है फोरआर्म को और उसी और दूसरे मतलब हाथ में जो है क्या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहा है फिजियो बॉल्स। तो ये टेक्निक भी पेशेंट कर सकता है, उसको घर के लिए भी सजेस्ट, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरयूज सिंड्रोम की मैनेजमेंट, ओवरयूज सिंड्रोम हो जाए तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट करवाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस इंटरवेंशन के, एल्बो और फोरआर्म की एक्सरसाइजेस क्या क्या होती है, किस तरह से करवाते हैं, ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। बाइसेप ब्रेकिया का स्ट्रेच करवाने के लिए पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो स्पाइन होगी विद द कफ वेट अराउंड द डिस्टल फोरआर्म, एल्बो इन एक्सटेंशन एंड फोरआर्म प्रोनेशन, हैव द पेशेंट स्टेबलाइजेस द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस विद द अपोजिट हैंड एंड देन प्लेसेस द आर्म ओवर द साइड ऑफ द टेबल, अलाउ द एल्बो एंड द शोल्डर
to extend as far as possible and sustain the stretch position. ये position होती है. Patient supine position में है, forearm pronated है. Distal forearm पे weight cuff बांधा हुआ है. एक हाथ से उसने जो अनइन्वॉल्व हैंड है वहां यहां से अपने जो है वो शोल्डर को स्टेबलाइज कर लिया है. अब पेशेंट को कहते हैं कि शोल्डर और एल्बो को एक्सटेंड कर दी, उतना एक्सटेंड करें जितना लेके जा सकते हैं. ठीक है, मतलब ऑफ द टेबल जितना वो नीचे की तरफ लेके जा सकता है, एक्सटेंशन की तरफ उतना लेके जाए. इससे आपका बाइसेप ब्रैकियाई मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है. पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, फोरआर्म प्रोनेटेड है, डिस्टल फोरआर्म पे वेट कफ बांधा हुआ है, एक हाथ से उसने अपने शोल्डर को स्टेबलाइज किया है और पेशेंट को बोलते हैं कि शोल्डर को एक्सटेंड करें, मतलब ऑफ द टेबल नीचे लेके जाने करें, पीछे की तरफ एक्सटेंशन की तरफ जितना लेके जा सकता है. ठीक है, होल्ड करवाते हैं उसको स्ट्रेच में ले जाके, कुछ सेकेंड उस पोजिशन में होल्ड करें और उसको तकरीबन 8 से 10 दफा रिपीट करें, जिससे आपके बाइसेप ब्रैकियाई मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है, फ्लेक्सर्स की, एल्बो की फ्लेक्सर्स. ठीक है, उसके अलावा बाइसेप ब्रैकियाई को इस तरह से भी स्ट्रेच करवा. पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसने जो है वो पीछे से डबल हुआ है. ठीक है, डबल को ग्रैप किया और पेशेंट को बोलते हैं कि आप आगे बढ़ने की, मतलब जैसे फॉरवर्ड वॉक पोजीशन होती है, फॉरवर्ड वॉक पोजीशन में कोशिश करो. इससे क्या होगा कि एल्बो जो है फुल एक्सटेंशन में जाता है और शोल्डर भी एक्सटेंशन में जाता है, तो इससे जो है बाइसेप ब्रैकियाई मसल स्ट्रेच होता है. ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें बताई गई है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस स्ट्रेचिंग पोजिशन डज नॉट इंक्लूड द फोरआर्म प्रोनेशन. ठीक है, जैसे इसमें फोरआर्म प्रोनेट करके एक्सटेंड कर रहे थे ना, बेसिकली इसमें फोरआर्म को प्रोनेट करके एल्बो और शोल्डर को एक्सटेंड करवा रहे थे, तो बाइसेप ब्रैकियाई की स्ट्रेचिंग हो रही थी. इस पोजीशन में फोरआर्म सुपिनेटेड है, एल्बो और शोल्डर तो एक्सटेंड हो रहा है लेकिन फोरआर्म सुपिनेटेड पोजीशन, प्रोनेशन ही नहीं. बाइसेप ब्रैकियाई की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं. इस पोजीशन में आप लॉन्ग एड ऑफ ट्राइसेप स्ट्रेच, लॉन्ग एड ऑफ ट्राइसेप मसल की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं. ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट जो होगा सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, पेशेंट को बोलेंगे कि जो अपना इन्वॉल्व या जिस हाथ के मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है उसको अपोजिट पे पीछे लेके जाए. ठीक है, पीछे अपने अपोजिट स्केपुला पे लेके जाए. जैसे वो इस पोजिशन में लेके जाता है तो यहाँ पे एल्बो की भी फ्लेक्शन हो रही है और शोल्डर भी फुल फ्लेक्शन में जा रहे हैं. और उसको इससे आपका ट्राइसेप मसल जो है स्ट्रेच हो रहा है और उसको फर्दर स्ट्रेच करने के लिए तो आपका दूसरा हाथ है उससे आप शोल्डर को फर्दर जो है वो फ्लेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, एंड रेंज में मतलब शोल्डर को और फर्दर फ्लेक्शन में लेके जाने की कोशिश करोगे दूसरे हाथ से, इससे आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल स्ट्रेच होगा. पेशेंट को यहाँ पे अपोजिट स्केपुला पे बॉलिंग के पीछे हाथ रखिए और मतलब इस पोजीशन में एल्बो और शोल्डर फ्लेक्शन में जा रहे हैं और फर्दर स्ट्रेच करने के लिए इस हाथ से अपने दूसरे हाथ से एल्बो को फर्दर जो है वो पीछे की तरफ, शोल्डर को फर्दर फ्लेक्शन की तरफ लेके जाएंगे तो फर्दर स्ट्रेच फील होगा, जिससे आप लॉन्ग एंड ट्राइसेप मसल करवा सकते हैं. सेल्फ स्ट्रेच टू इंक्रीज द सुपिनेशन. सुपिनेशन को इंक्रीज करना है तो किस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं? तो पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, अपने फोरआर्म को जो है वो टेबल वगैरह पे रख लेगा. इनिशियली जो है वो मिड प्रोन पोजीशन में या न्यूट्रल पोजीशन में फोरआर्म होगी. फोरआर्म न्यूट्रल पोजीशन में होगी और जब भी आप एल्बो की जब भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाओ, ये चीज क्लियर कर लेना आप लोग, जब भी एल्बो की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं हम लोग, वो फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन हो गई, सुपिनेशन हो गई या प्रोनेशन हो गई, जब एल्बो जॉइंट पे काम हो रहा है
तो आप जब भी रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे या फोरआर्म से करते हैं, कभी भी हाथ से पकड़ के नहीं करते, ठीक है। हैंड को पकड़ के कभी भी रेजिस्टेंस नहीं दोगे। अगर आप हैंड को पकड़ के रेजिस्टेंस देते हो तो फिर आपके समझो कि प्योर एल्बो मसल्स पे काम नहीं हो रहा होता, फिर आपके रिस्ट के मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाओ तो यहाँ से हमेशा डिस्टल फोरआर्म से जो है रेजिस्टेंस दिया करें, ठीक है। ये बहरहाल सुपीनियर ट्रस्ट को स्ट्रेच दे रहा है। इनिशियली फोरआर्म जो है वो मिड फ्रंट पोजीशन में है और पेशेंट अपने दूसरे हाथ से हाथ रखता है रेडियस की तरफ, डिस्टल रेडियस पे, ठीक है। डिस्टल रेडियस पे इसने ये देखिए थंब है, ये थंब की तरफ ये रेडियल बोन जा रहा है। तो डिस्टल रेडियस पे जो है उसने अपना दूसरा हाथ का पाम जो है वो रखा हुआ है और हाथ को सुपीनेट करने की कोशिश कर रहा है फोर्सफुली स्ट्रेच देके, ठीक है। इस तरह से आप सुपीनेटर्स की स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। और प्रोनेटर्स की अगर स्ट्रेचिंग करवानी है तो पोजीशन सेम होगी, बस यही है कि उसमें फिर आप उसको हैंड को प्रोनेशन की पोजीशन में लेके जाते हो इस तरह। डिस्ट एक्सटेंसर्स आपको पता है कि लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रहे हैं सारे, उनके ओरिजिन लेटरल एपिकोंडाइल से हो रही है, तो उनकी स्ट्रेचिंग इस तरह से करवाते हैं। पेशेंट स्टैंडिंग पोजिशन, एल्बो एक्सटेंडेड, फोरआर्म प्रोनेटेड, रिस्ट फ्लेक्स्ड, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे कि रिस्ट को फ्लेक्स करके और उसको स्लाइड करें वॉल पे, बैक ऑफ द हैंड जो है वो वॉल पे स्लाइड करें ऊपर की तरफ, ठीक है। स्लाइड करके ऊपर की तरफ लेके जाए तो इससे क्या होगा कि फर्दर जो है पेशेंट को वो स्ट्रेच फील होता है। तो इस पोजीशन में हम रिस्ट के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग होती है ये, मैनुअल किस तरह से करवाते हैं वो मैंने आप लोग को बता दी थी कि किस तरह से थेरेपिस्ट करवाते हैं, ये सेल्फ घर के लिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी हमें और फर्दर एक जो है अगर स्ट्रेच चाहिए तो फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि फिंगर्स को भी फ्लेक्स कर लो, ठीक है। इसी पोजिशन में इनिशियली क्या बोलेंगे कि उसको स्लाइड करें वॉल के ऊपर की तरफ तो स्ट्रेच फील होगा, और अगर हम चाहते हैं कि और फर्दर स्ट्रेचिंग हो या फर्दर स्ट्रेच फील हो तो फिर फ्लेक्स कर लेंगे फिंगर्स को भी। ये तो हो गया रिस्ट एक्सटेंसर। अब रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाते हैं, ये पोजीशन होती है। पहले एक्सप्लेन कर दी थी मैंने आपको, एल्बो एक्सटेंडेड है, फोरआर्म सुपीनेटेड है, रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन में है, फिंगर्स एक्सटेंशन में है, ठीक है। इस तरह से पेशेंट ने वॉल पे हाथ रखा हुआ है और पेशेंट को बोलते हैं कि इसको स्लाइड करें अप द वॉल ऊपर की तरफ, इससे आप रिस्ट के फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बाइसेप, ट्राइसेप, सुपीनेटर्स, प्रोनेटर्स, रिस्ट के एक्सटेंसर्स, रिस्ट के फ्लेक्सर्स उनकी। अब आ जाते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे। आइसोमेट्रिक मैंने इंक्लूड नहीं किया, वरना आइसोमेट्रिक होती है और दूसरी डायनामिक होती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दो टाइप की होती हैं, आइसोमेट्रिक डायनामिक। आइसोमेट्रिक में आपको पता है कि किस तरह से रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं और उनमें जो है वो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मसल की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ये जो है डायनामिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं और ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन में हम जो है वो एल्बो के फ्लेक्सर्स बाइसेप ब्रैकिया की डायनामिक स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं या एंड्योरेंस करवा रहे होते हैं। पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, हाथ में उसने फ्री वेट पकड़ा हुआ है, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि उसको ऊपर की तरफ लेके जाए, इस तरह के शोल्डर पे एक्सटेंशन हो और एल्बो पे फ्लेक्शन हो, ठीक है। दो मूवमेंट साथ हो रही है, वेट को इस तरह से ऊपर लेके जाए कि शोल्डर पे एक्सटेंशन हो और एल्बो पे फ्लेक्शन हो, ठीक है। तो दो मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पे और हाथ में वेट पकड़ा हुआ है। अगर ये पोजीशंस करवाते हो और इसकी रिपीटेशंस करवाते हो हाथ में रेजिस्टेंस देके, तो फिर आप जो है वो बाइसेप ब्रैकिया मसल की स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हो, ठीक है। उसको चैलेंज इस तरह से कर सकते हैं कि या तो आप वेट बढ़ाते जाओ आहिस्ता आहिस्ता, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, या फिर हम स्पीड पे फोकस करते हैं कि पेशेंट को बोलें कि अपनी एक्सरसाइज की स्पीड बढ़ा दो। अगर एक मिनट में आप 15 दफा कर रहे हो तो आप कोशिश करो उसकी रेपिटेशन बढ़ाओ कि एक मिनट में 20 दफा कर पाओ, 25 दफा कर पाओ। तो
स्पीड पे फोकस करो, इस तरह से हम उसको फर्दर जो है वो चैलेंज करते हैं और इसकी स्ट्रेंथनिंग और एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में बाइसेप फ्लेक्सर्स जो है वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इस पोजीशन में ट्राइसेप या लॉन्ग एंड ऑफ ट्राइसेप मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं। हाथ में वेट पकड़ा हुआ है, ओवर हेड जो है पेशेंट को बोला है कि हाथ को ओवर हेड लेके जाए और पीछे की तरफ जो है वो स्केबुला की तरफ लेके एंड देन अगेन जो है वो हेड के जो है वो ऊपर लेके जाए, ओवर हेड एक्टिविटी करवा रहे होते हैं। इसमें वेट पकड़ा हुआ है हाथ में, उसको बोलते हैं कि यहाँ के पीछे की तरफ लेके आए एंड देन हाथ को सीधा कर। ठीक है, इस पे आप के एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज हो, तो इससे आपके ट्राइसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इसी तरह से सुपीनेटर और प्रोनेटर्स की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए हम फ्री वेट भी यूज कर सकते हैं, इलास्टिक रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, या फंक्शनल एक्टिविटीज के थ्रू भी जो है हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। ये जो पिक्चर शो की गई है इसमें फ्री वेट है, हाथ में जो है वो वेट्स है। इसी तरह से हम जो है वो थेराबैंड के साथ भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो वो इलास्टिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। फंक्शनल एक्टिविटीज की बात की जाए तो पेशेंट को हम ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जैसे हम उसको बोलेंगे डोर नॉब को जो है वो रोटेट करें, इससे प्रोनेशन और सुपिनेशन की स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, डोर नॉब को जो है हम बार बार जो उसको ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि जो है वो जिसमें सुपिनेशन और प्रोनेशन केयर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, पिक्चर में दिखाया गया है कि पेशेंट ने हाथ में वेट पकड़ा हुआ है और उसको सुपिनेशन और प्रोनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिगर ए में देख रहे हो आप, उसने वेट पकड़ के अगर प्रोनेशन की तरफ लेके जा रहा है तो ये प्रोनेटर्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है वो वेट पकड़ के सुपिनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सुपिनेटर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है फिगर बी में। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन इन्वॉल्व्स द मसल्स ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल, extension involves the muscles of the lateral epicondyle. When the forearm is pronated, resistance is applied to the wrist flexor extensors. When supinated, resistance is applied to the wrist flexors. ये तो चीज आप लोगों को क्लियर है, मैंने बताया कि जब भी जो है वो रिस्ट के फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं तो एल्बो को एक तो एक्सटेंड करके रखते हैं। ठीक है, और अगर प्रोनेशन पोजीशन में करवा रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोनेशन पोजीशन में फोरआर्म को रखा हुआ है और रेजिस्टेंस के एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो हम रिस्ट के एक्सटेंसर्स पे काम कर रहे होते हैं। जब सुपिनेटेड फोरआर्म के साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवा रहे हैं रिस्ट की तो हम फ्लेक्सर्स पे काम कर रहे होते हैं। रिस्ट की भी एक्सरसाइजेस फ्री वेट इलास्टिक रेजिस्टेंस दोनों के साथ कर सकते हो। ये इलास्टिक रेजिस्टेंस के साथ रिस्ट के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आप पढ़ लेंगे, ये देखें कि इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि रिस्ट के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ये सेकंड पॉइंट आप पढ़ लें, व्हेन द फोरआर्म इज प्रोनेटेड रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू द रिस्ट एक्सटेंसर्स। इस पोजीशन को देख लें, फोरआर्म प्रोनेटेड है, प्रोनेशन में जब रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो एक्सटेंसर्स पे काम कर रहे हैं। इलास्टिक बेल्ट का जो है वो एक्सरे को जो है पांव से जो है वो मतलब के वहां से टाइट करके उसको स्टेबलाइज कर लेंगे, दूसरा जो है वो रिस्ट पे जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होते हैं, इसी तरह से एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होती है और फोरआर्म प्रोनेटेड पोजीशन में और रिस्ट को एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे। ठीक है, इससे रिस्ट के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। ये वेट के साथ कर रहे हैं, ये इलास्टिक रेजिस्टेंस के साथ कर रहे हैं, ये फ्री वेट के साथ, वही सेम पोजीशन है, उसी पोजीशन में फोरम प्रोनेटेड है और रिस्ट की एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ये इलास्टिक के साथ जो है रिस्ट के फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ठीक है, सेम पोजीशन है, इसमें क्या है कि रिस्ट प्रोनेट फोरम प्रोनेटेड है और रिस्ट को एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसमें फोरम सुपिनेटेड है और रिस्ट को फ्लेक्शन की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ये फ्री वेट के साथ है। ठीक है, इस पोजीशन में पेशेंट को बिठाते हैं, एल्बो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, सपोर्टेड है, एल्बो जो है टेबल के साथ सपोर्टेड है, सिर्फ रिस्ट जो है वो ऑफ द टेबल है,
और उसमें वेट पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको फ्लेक्सन की तरफ लेके आया, जिसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है विथ द वेट, ठीक है। यहाँ पे आपका एल्बो चैप्टर खत्म होता है ऑलमोस्ट। दूसरा, अच्छा, एक होती पुलिंग एक्टिविटीज, एक होती पुशिंग एक्टिविटी। अच्छा, पुलिंग एक्टिविटीज जब हम करवाते हैं तो पुलिंग एक्टिविटी आपके एल्बो के फ्लेक्सेस तो यूज हो ही रहे हैं, पुलिंग या लिफ्टिंग एक्टिविटीज जो भी करवाते हैं उसमें आपके एल्बो के स्केपुलर के रिट्रैक्टर मसल्स और शोल्डर के एक्सटेंसर मसल्स भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। आप पुलिंग एक्टिविटीज करके देखो, जब किसी चीज को पुल कर रहे हो आप, तो उसमें आपके रिस्ट के, एल्बो के, शोल्डर के और स्केपुला के सबके मसल्स यूज हो रहे हैं। स्केपुला के रिट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं और शोल्डर के एक्सटेंसर। अगर किसी पेशेंट को पुलिंग एक्टिविटीज जो है वो उसकी वीक है, वो हैवी वेट नहीं उठा पाता या किसी चीज को पुल नहीं कर पाता, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें सिर्फ एल्बो पे काम नहीं करना होता है, हमें जो है वो शोल्डर के एक्सटेंसर्स और स्केपुला के रिट्रैक्टर्स पे भी काम करना होता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस दिखाई गई हैं कि इस तरह से आप जो है वो पुल अप अगेंस्ट द इलास्टिक रेजिस्टेंस, ये वाले एक्सरसाइजेस कर, बायलैटरल पुल अप अगेंस्ट द इलास्टिक रेजिस्टेंस, इससे आप पुलिंग को जो है वो स्ट्रेंथ कर सकते हो, ठीक है। इलास्टिक जो है वो थेराबैंड जो है उसने पाँव पे जो है यहाँ से फिक्स किया हुआ है नीचे से, और उसको पुल कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके स्केपुला रिट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, शोल्डर एक्सटेंशन की तरफ जाएगा और रिलैक्स होने। ये भी एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, इसको मॉडिफाइड पुल अप ऑन एन ओवर हेड बार कहते हैं, ये वाली करवा सकते हो, इससे भी जो है आपकी पुलिंग एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड होंगी। इसी तरह से पुशिंग एक्टिविटीज में आपके एल्बो के मसल्स के अलावा शोल्डर की फ्लेक्सर्स, स्केपुला के प्रोटेक्टर्स या डिप्रेसर्स, ये सारे मसल्स जो है वो यूज हो रहे हैं ट्राइसेप के साथ साथ, ठीक है। जब पुश करें, पुशिंग में क्या हो रहा है कि एल्बो के एक्सटेंसर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। पुलिंग में एल्बो के फ्लेक्सेस, शोल्डर के एक्सटेंसर्स और स्केपुला के रिट्रैक्टर्स, और पुशिंग एक्टिविटीज में ट्राइसेप, एल्बो के एक्सटेंसर, शोल्डर के फ्लेक्सर और स्केपुला के प्रोटेक्टर और डिप्रेसर मसल जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ये नीचे सारी एक्सरसाइजेस बताई गई है कि ये चीजें हम करवा सकते हैं। मिलिट्री प्रेस अप एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, शोल्डर में बताई थी मैंने किस तरह से करवाते हैं, बेंच प्रेस एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, अपर एक्सट्रीमिटी आर्गोमेट्री करवा सकते हो, वॉल पुशअप्स या सेमी प्रोन और प्रोन पुशअप करवा सकते हो, पुशअप फ्रॉम द चेयर और पैरेलल बार एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, ठीक है, या फिर पुशिंग एक्टिविटीज करवा सकते हो वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट वेट्स आपने उसको पुश करवाया। इस फिगर में शो हो रहा है ये अपर आर्म आर्गोमेट्री, ठीक है, जो नीचे आप लोगों ने जिम में देखी हुई, ये अपर आर्म आर्गोमेट्री है, इससे आप पुशिंग एक्टिविटीज को जो है वो इम्प्रूव करवा सकते हो किसी पेशेंट के जो है ये वाले मसल्स अगर वीक है, ठीक है। क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर पुलिंग एक्टिविटीज जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज, और पुशिंग डिस्टर्ब है, पुशिंग वीक है, तो क्लॉकवाइज करवाते। दिस इज मिलिट्री प्रेस अप एक्सरसाइज, ठीक है, ये तो मैंने शोल्डर में आपको एक्सप्लेन किया, ये करवा सकते हैं। ये सेमी प्रोन पुशअप पोजीशन कहलाती है, ए जो नंबर ए है, ठीक है, और मॉडिफाइड पुशअप भी कहते हैं, ये सेमी प्रोन पुशअप या मॉडिफाइड पुशअप, ठीक है। दिस इज पुशअप फ्रॉम द चेयर, चेयर या पैरेलल बार पे पुशअप इस तरह से करते हैं, तो पैरेलल बार पे हाथ पकड़ लेते हैं और इसी तरह से पुशअप करते हैं, हाफ स्क्वाट्स करते हैं, एक टाइप से स्क्वाटिंग कर रहे हो। दिस इज वॉल पुशअप, ठीक है, वॉल या डोर पुशअप। इसमें क्या कर रहे हैं, इस हाथ से जो है वो दरवाजे को बंद कर रहे हैं, ठीक है, और इस हाथ से उसी को जो है वो पुश कर रहे हैं,
इससे भी इस तरह से भी आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो, इससे भी पुशिंग एक्टिविटीज जो है वो, और पुशिंग एक्टिविटीज में जो मसल्स यूज हो रहे हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं। और इसने यहाँ पे हैवी कोई डिफरेंट टाइप के हैवी वेट्स जो है वो डबल से उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है इस तरफ जो है बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगाओगे पुशिंग, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, यहाँ पे आपका एल्बो जो है वो खत्म होता है।